बहुत सारे मेरे से सीनियर लोग भी जो है ना मुझे ये बात कहा करते थे कि यार इंजमाम भाई, ये जो आप बातें करते हैं ना कि यार हर चीज़ वॉइस पे आ जाएगी, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, मैं भी कहीं ना थोड़ा वो होता था कि यार वाकई में कैसे हो गई ये है ना। तो मेरे अगर आप शुरू वाले कोई लेक्चर देखेंगे ना, उस वक्त रिकॉर्डिंग भी नहीं करता था मैं लेक्चर वेक्चर, ऐसे ही वो फेसबुक पे किसी ने कर दी तो कर दी। तो उस वक्त मैं ये कहता था कि आज से 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, जो कि एग्जैक्टली 2016 से अगर आप देखें तो 6 साल हुए हैं, हर चीज़ आपसे बातें करेगी। AC, फ्रिज, TV, दरवाजे, खिड़की, हर चीज़ आपसे बात करेगी। कंप्यूटर से हम बोल के बात करेंगे। अगर पुरानी मेरी फेसबुक अगर आप खोलेंगे ना, जो वो तो खैर मैंने अब बंद कर दी है, सिर्फ पेज अब मेरा चलता है फेसबुक का। उस वक्त मैंने वो मूवी का एक क्लिप लगाया था, वो मूवी कौन सी थी, वॉर गेम या पता नहीं क्या नाम था उसका, बड़ा अच्छा। तो उसमें वो कंप्यूटर होता है, अभी मुझे अगर ये दिखेगा ना तो वो मेरे मोबाइल में है, वो मैं उसका लिंक लगा के ना यहाँ पे चलाता हूँ, तो आप देखेंगे एग्जैक्टली वही हो रहा है। ये मैं यहाँ गया अपने पास प्रोफाइल में, मेरी जो मेरी पुरानी प्रोफाइल है जो बंद कर चुका हूँ मैं, और इसमें मैं गया वीडियोज में। ये मैं आपको ना अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हुई नहीं अभी तक। ये वीडियो का क्लिप है। अब इसमें ये दिखाते हैं कि ये बंदा जो है ना, ये कंप्यूटर से बात कर रहा होता है। वॉइस इसमें वो असल में मेरे फ़ोन से आ रही है वॉइस, ये देख रहे हो बात हो रही है कंप्यूटर से। एग्जैक्टली वही नहीं है ये ChatGPT। अच्छा, ये मैंने कब लगाया था, ये 2019 में मैंने वीडियो लगाई थी, ये डेट लिखी भी आ रही है ऊपर। तो मैं ये कह रहा था कि उस वक्त जब मैं लोगों से कहता था ना कि हर चीज़ वॉइस पे हो जाएगी, लोग कहते थे यार ऐसा कैसे होगा, और मुझे कन्वेंस करने की कोशिश करते थे कि ये एक्सेल शीट और ये जो माइक्रोसॉफ्ट की जो वर्ल्ड वगैरह की जो प्रोडक्ट है ये नहीं होगी, ये कैसे होगी, एक्सेल शीट को आप वॉइस पे कैसे चलाएंगे। लेकिन अब ChatGPT के आने के बाद ये समझ आ गई है कि एक्सेल शीट वॉइस पे चल सकती है। अगर मैं उसको बोलूँ ना कि बैलेंस शीट बनाओ, और उसके अंदर जो है ना बैलेंस शीट के अंदर आज का एक्सपेंस 20,000 ऐड कर दो, तो वो लिटरली मुझे बना के देता है वो पूरा एक्सेल की फाइल, वो कॉलम्स ना मुझे बना के देता है वो। तो हाँ, नहीं नौकरी तो खैर किसी की भी नहीं गई, आसान हो जाएगी। जहाँ पे 4 चाहिए होते थे वहाँ पे 1 चाहिए होंगे, वेब डेवलपर जहाँ पे 20 चाहिए होते थे वहाँ पे शायद 15 चाहिए होंगे, 5 कम, काम फास्ट हो जाएगा, ये होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी ये अनाउंस कर दिया है कि वो हर प्रोडक्ट में अपने यार ChatGPT इंट्रोड्यूस करवाएगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाके कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, तो पहली बात तो जो सर्च की क्वेरी आपने इनिशियली लिखी होगी कि बेस्ट लैपटॉप 2022, तो उसका एक वो टेक्स्ट में जवाब दे देगा कि द बेस्ट लैपटॉप इन दिस इस फला फला लैपटॉप, और उसके नीचे वेबसाइट का सर्च रिजल्ट आ रहा होगा। अच्छा, फिर आप किसी वेबसाइट के ऊपर अगर आप क्लिक करके जाते थे ना, वेबसाइट को अंदर सर्च करते थे जाके, अब वो क्या होगा, हर वेबसाइट के आगे एक छोटा सा बटन बनवा रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा लुब्बे लबाब ना जो उस वेबसाइट के अंदर है, जो आप ढूंढना चाह रहे हैं, वो आपको लिखा हुआ छोटा सा दिख जाएगा, है ना। वो खुद आपके बिहाफ पे उस वेबसाइट को सर्च करके आपको लुब्बे लबाब बता देगा ये होने जा रहा है, ठीक है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, जैसे कि मैंने जिक्र किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाके आप क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, कि कोई लीव की एप्लीकेशन दे रहे हैं आप, या कोई आप लेटर लिखते हैं किसी को कि भाई फला फला बंदे के नाम ये मैं लेटर लिख रहा हूँ, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो नया वाला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा ये बोल चुका है माइक्रोसॉफ्ट, एग्जैक्टली नाम नहीं लिया लेकिन क्या होगा वो ऑब्वियस बात है वो तो, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जाएंगे, आप लिखेंगे कि यार लेटर लिखो सैलानी मास ट्रेनिंग के हेड ऑफिस को, और उनको लेटर में ये इन्फॉर्म करो कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ChatGPT पढ़ाना चाहिए, ChatGPT एक नई टेक्नोलॉजी है उनको पढ़ानी चाहिए, ये उसमें कन्वेंस करो उस लेटर के अंदर।
ये चार लाइन में ये बात मैंने लिखी और वो अच्छा सा कंटेंट बना के पूरी दुनिया का डेटा इकट्ठा जो है निकाल के ना और कन्वेंसिंग एक लेटर लिख के आपको दे देगा, फॉर्मेटिंग भी कर देगा बेसिक, है ना। टेम्पलेट्स जो बने हुए होते थे ना पहले, टेम्पलेट्स आप जाके ढूंढते थे टेम्पलेट, आप टेम्पलेट ढूंढेंगे नहीं, आप बस लिखेंगे और वो पूरा A4 के पेज पे वो पूरा टेम्पलेट की तरह बना के टेक्स्ट लिख के आपको दे देगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक दफ़ा उसको गो थ्रू करेंगे, रिप्लेस नहीं हुई जॉब, रिप्लेस इसलिए नहीं हुई कि गो थ्रू इंसान ही करेगा उसको स्टिल, क्यों हाँ वो प्रूफ रीडिंग एक दफ़ा करेगा, आप उसकी कोई बात आपको पसंद नहीं आई आपको हटा देंगे, या उसमें भी मे बी चैटबॉट ChatGPT से दोबारा बोलें, आप कहें यार दिस पैराग्राफ चेंज दिस पैराग्राफ या इम्प्रूव दिस पैराग्राफ या आई थिंक लास्ट पैराग्राफ नीड मोर इम्प्रूवमेंट या दिस पैराग्राफ डजेंट साउंड कन्विंसिंग तो उसको मॉडिफाई करो मे बी, और वो एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तैयार। इसी तरह जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस होती थी स्लाइड्स, उसमें आप क्या करते थे, आप आइकन डाउनलोड करते थे, आप इमेज डाउनलोड करते थे, पूरा टेक्स्ट लिखते थे, पॉइंट्स बनाते थे। अब पूरी प्रेजेंटेशन भी ChatGPT बनाएगा, है ना। ये अभी जो हमने थोड़ी देर पहले वो सारा गो थ्रू किया वो रिकॉर्डिंग में नहीं आया, लेकिन अभी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम वो पूरा पढ़ेंगे तो आ जाएगा, पूरा कोर्स में हम उसको शामिल करेंगे ChatGPT को। तो उससे आपको ये कन्वेंस हो गया होगा कि अब आप उसको बताएंगे ना प्रेजेंटेशन किस टॉपिक पे करनी है, तो वो आपको बेसिक प्रेजेंटेशन की स्लाइड पूरी बना के दे देगा। अब उसमें आपने सिर्फ थोड़ा सा जो आपने चेरी ऑन द टॉप लगाना है जस्ट, है ना, कि मिसाल के तौर पर कोई प्रोडक्ट है आपका, फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन कोई नया प्रेजेंट करना है आपने, तो आप कहेंगे कि आई वॉन्ट टू प्रेजेंट अ न्यू मोबाइल फ़ोन विद दिस 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 टेक्नोलॉजी, चार लाइन हम उसको लिख के दे देंगे। अब वो क्या करेगा, 15 स्लाइड बना के रेडी कर देगा जिसमें फ़ोन के जगह पे प्लेस होल्डर लगा होगा, आप वो हटाएंगे, फ़ोन की पिक्चर डालेंगे, रेडी। जो पॉइंट्स उसने लिखे हैं उसको प्रूफ रीडिंग करेंगे, 5G अगर है उसमें, आपने पहले ही शुरू में बताया ना कि लाइन में कि 5G मेरे फ़ोन में होगा और वाईफाई 6E होगा इसके अंदर, तो उसको बस प्रूफ रीडिंग करेंगे आपकी ये चीज़ें इसने सही लिखी हैं गलत लिखी हैं, कहीं पे कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी उसने गलत लिख दी हो उसको आप सही कर देंगे। तो ये प्रेजेंटेशन भी अब इसकी इस तरह हुआ करेगी कि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत जल्दी, ये मैं क्या बता रहा था, बात असल में ये हो रही थी कि मेरी बात आप लिख लेंगे कि 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक फिजिकल डिवाइस लॉन्च करेगा कोर्टाना की, और कोर्टाना में ChatGPT को मर्ज करके जो है ना, अब आप कोर्टाना से जब बात कर रहे होंगे तो एक्चुअली आप ChatGPT से बात कर रहे होंगे। कोर्टाना में इस वक्त ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप उससे बोल के अलार्म लगवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट सेट करवा सकते हैं, उससे स्मार्ट होम भी गालबन, अच्छा स्मार्ट होम नहीं है कोर्टाना में क्योंकि फिजिकल डिवाइस नहीं है उसकी, वो वर्चुअल है जस्ट, बट आप विंडोज़ के अंदर भी बहुत सारे टास्क करवा सकते हैं। आप उसको ये बोल सकते हैं कि यार सेटिंग में जाओ और ब्राइटनेस वाला पेज खोलो, वो खोल देता है कोर्टाना, अगर एक्टिवेट विंडो है और वो नया वाला है बिल्ड आपके पास, तो ये आप ट्राई करके देखिएगा। छोटे मोटे काम ना विंडोज़ के अंदर पे वो ये कर देता है कोर्टाना, कर देता है कर देती है जो भी है कोर्टाना। तो जिस दिन फिजिकल डिवाइस माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दी उस दिन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट दोनों साइड पे हो जाएंगे। और अच्छा, गूगल के पास ये अपॉर्चुनिटी तो अब नहीं है कि वो ChatGPT में इन हो, ये तो नहीं हो सकता ना अब, है ना, या हो सकता है, नहीं हो सकता वो, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की बात है, ये दोनों राइवल हैं आपस में, है ना। अब राइवल ने एक कंपनी में 49 जो मैक्सिमम पॉसिबल था ना शेयर लेना, 49% वो माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिए, अब 49% से ज़्यादा वो बेचेंगे नहीं OpenAI वाले, है ना, उनको अपनी प्रोडक्ट रखनी है, क्योंकि 50 कर दिया ना जहाँ, तो फिर वहाँ डिसीजन मेकिंग आ जाती है। अगर आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा हो ये कॉरपोरेट का चक्कर जो है, तो 50 जहाँ आ गया ना फिर माइक्रोसॉफ्ट के पास, तो माइक्रोसॉफ्ट फिर डिक्टेट करेगा OpenAI को, तो वो 49 से ज़्यादा बेचेंगे नहीं, बाकी वो रखेंगे अपने पास। अगर मिसाल के तौर पे गूगल वाला जाके ना अब उसमें 20% लेने की कोशिश करता है, तो ये गूगल अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। हाँ, तो माइक्रो फिर क्योंकि पैनल में एक माइक्रोसॉफ्ट का बंदा होगा, एक गूगल का बंदा होगा, वो लड़ रहे होंगे बैठ के, जो चलती हुई प्रोडक्ट का भी थतियानाश हो जाएगा, है ना, तो ये वाला मसला होगा। अच्छा, गूगल जो है ChatGPT को एज अ API भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, कर सकता है क्या, नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। हाँ, पैसे एक तो देने पड़ेंगे, वो इज्जत की बात है ना, वो तो यूज़ तो करने को तो कर ले वो, लेकिन लोगों को पता तो चल जाता है कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है, API कहाँ कौन सी कॉल हो रही है वो पता लग जाता है।
तो अगर बिहाइंड द सीन इन्होंने सामने नाम रखा बार्ड और पीछे रखा चैट जीपीटी, तो फिर वो लोगों को जिस दिन पता चलेगा ना, तो गूगल के शेयर बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर मिसाल के तौर पर नहीं भी पता चले और कामयाबी से चला भी रहा है, तो क्योंकि बिहाइंड द सीन चैट जीपीटी है, तो हम फिर गूगल के पल्ले क्यों पड़े, हम डायरेक्ट चैट जीपीटी के पल्ले पड़े, है ना। तो हर तरह से देखा जाए तो हमारे पास गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा के डिवाइसेस जो है वो साइड पे हो चुकी है, और तो अलेक्सा हम ख़त्म कर रहे हैं अपने कोर्स से, चलते हुए कोर्स से हमने अलेक्सा को ड्रॉप कर दिया। डायलॉग फ्लो जो है, ऑन अदर हैंड, ये मुझसे दोस्त पूछ रहे थे अभी कि यार डायलॉग फ्लो तो फिर काम क्या हुआ डायलॉग फ्लो का। डायलॉग फ्लो का काम अभी भी है, क्योंकि टू दी पॉइंट चैटबॉट बनाना है ना आपको, पैरामीटर कलेक्ट करना है, ये डायलॉग फ्लो में इसका आसान तरीका मौजूद है। तो मेरा अभी तक ये एनालिसिस है कि डायलॉग फ्लो अपनी जगह रहेगा, डायलॉग फ्लो की इम्पोर्टेंस अभी भी है अपनी जगह। अच्छा, लेकिन स्टिल अभी तो चैट जीपीटी मैंने भी सीख रहा हूँ थोड़ा सा मैं, हो सकता है मुझे थोड़े दिन बाद रियलाइज़ होगा नहीं यार डायलॉग फ्लो का वो सारा काम वो भी कर रहा है, तो ये आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन मेरा अभी तक ये ख्याल है कि चैट जीपीटी जो है वो डायलॉग फ्लो के बिहाइंड द सीन चलेगा। आप कॉल करेंगे डायलॉग फ्लो का चैटबॉट, डायलॉग फ्लो आपसे पैरामीटर्स लेगा सारे, और पैरामीटर लेके चैट जीपीटी को देके डेटा लाएगा वहाँ से। मिसाल के तौर पे आप अगर चैटबॉट बनाना चाह रहे हैं जो एप्लीकेशन लिखने में हेल्प करता है, एप्लीकेशन लिखने में अगर हेल्प करने वाला चैटबॉट बना रहे हैं आप, तो क्या करेंगे, डायलॉग फ्लो का एक चैटबॉट होगा, उसमें एक इंटेंट होगा एप्लीकेशन राइट एप्लीकेशन। अच्छा, बंदा बोलेगा आई वॉन्ट टू राइट एन एप्लीकेशन, अब सामने से वो चार पैरामीटर कलेक्ट करेगा, व्हाट वुड बी द सब्जेक्ट ऑफ दैट एप्लीकेशन, किस बंदे के नाम लिखना है, और आपका अपना नाम क्या है वो बता दें। तो फ्रॉम टू ले लिया और सब्जेक्ट उसका पूछ लिया कि क्या होगा, टेल मी मोर, एक चौथा पैरामीटर ये होगा कि भाई एप्लीकेशन में लिखना क्या चाह रहे हो, आप मुद्दा बता दो अपना। तो ये चार पैरामीटर लेके ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं पीछे सर्वर पे जब मुझे ये चारों पैरामीटर मिलेंगे, मैं ये चारों पैरामीटर चैट जीपीटी को भेजूंगा, चैट जीपीटी मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दे देगा, वो एप्लीकेशन मैं यूज़र को दिखा दूंगा कि यार ये आपकी एप्लीकेशन लिख के तैयार हो गई। तो ये अभी तक मेरा ये राय है कि ये दोनों मिलके चलेंगे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट चैट जीपीटी को देता हूँ ना एक्सेस, तो फिर तो एक तो मसला ये होगा कि बंदा उससे बोलेगा यार पाइथन के कोड लिखवा रहा होगा, मिस यूज़ करेगा। लेकिन अगर मैंने वो लगा दिया है कि डू नॉट आंसर एनीथिंग एल्स, वो वाला कि भाई प्रोडक्ट की बात हो या सिर्फ एप्लीकेशन लिखने की बात हो, कोई और बात ना हो, उसके बावजूद भी क्या होगा कि यूज़र इतना टेक्निकल नहीं है कि वो अच्छे से क्राफ्ट कर सके जुमले को, क्योंकि जुमला जब तक अच्छे से क्राफ्ट नहीं होगा चैट जीपीटी काम नहीं करता। तो जुमला अच्छे से क्राफ्ट यूज़र हर यूज़र कर नहीं पाएगा, तो वो हम करके देंगे, और फ्रंट एंड पे डायलॉग फ्लो होगा, बीच में जुमला क्राफ्ट करके हम पीछे चैट जीपीटी लगा के बैठे हुए होंगे। अच्छा यार, तो लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ लिया, तो ज़रा वो देखते हैं। अच्छा, एक बात तो मैंने बताई, वो मैंने ये नहीं बात बताई कि जब मेरे दोस्त ये कह रहे थे कि हर चीज़ वॉइस पे नहीं हो सकती, तो मुझे क्यों बिलीव था कि हर चीज़ वॉइस पे हो जाएगी, वो इसलिए था कि आप सल्लम की एक हदीस पढ़ी थी मैंने कि कुर्बे क़यामत में एक वक्त ऐसा आएगा कि जूती का तस्मा भी आपसे बात करेगा, ठीक है, और उसमें दो तीन चीज़ों का जिक्र है, प्रीडेटर्स का जिक्र है। तो वो उस हदीस से मैंने ये मतलब लिया, फिर मैंने पूरा उस पर स्टडी की थी कि लोग क्या कहते रहे इसके बारे में, बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह मैंने पढ़े कि लोग इससे क्या मतलब लेते थे, कुछ तो होगी ना, कुछ तो तावील की होगी ना कि यार अच्छा इसका ये मतलब है, जूती कैसे बात करेगी। तो वो तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद ना मेरा कॉन्क्लूजन ये था कि ये वाकई में बात करेगी, और जूती का तस्मा भी बात करेगा, मैंने ये मतलब लिया उससे कि हर चीज़ बात करेगी सराउंडिंग में आपकी जितनी चीज़ें, और जूती का तस्मा यानी छोटी से छोटी चीज़ भी आपसे बात करेगी। तो इसलिए मुझे बिलीव था, और ये आहिस्ता आहिस्ता देखो होता जा रहा है। हाँ, नाइकी का 2006 में आए थे शूज, जिनको आवाज़ नहीं आई उनको बता रहा हूँ कि ये दोस्त कह रहे हैं कि नाइकी ने एक शूज़ निकाला है, वो वॉइस कंट्रोल है, अगर वॉइस में बोलते हैं आपके जूते ढीले हो जाओ तो जूते ढीले हो जाते हैं, जो फीता तस्मे हाथ से बांधते हैं वो बोल के उसको आप करवाते हैं कि यार टाइट हो जाओ ढीले हो जाओ। अच्छा जी, तो कल लास्ट जो क्लास थी हमारी, लास्ट क्लास तो खैर स्पेशल सेशन था, हम माद भाई आए थे उसमें चैट जीपीटी पे उन्होंने डिस्कशन की थी, उससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने इंटेंट और एंटिटी पढ़ ली थी, तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या कुछ पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए फिर हम नया टॉपिक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट। डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट एक वो इंटेंट होता है जो डायलॉग फ्लो आपको पहले से बना के देता है,
इसमें कुछ हाय हेलो टाइप की वो बातें लिखी भी होती हैं जिससे आम तौर पे कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है, इसमें वो बातें लिखी भी होती हैं। और इसके रिस्पॉन्स में मैंने यहाँ पे कुछ फिक्स जुमले लिख दिए हैं, 1 2 3 4 जुमले लिखे हैं। तो इन चारों में से वो बदल बदल के कोई ना कोई जवाब ला के दे रहा होगा। अच्छा, तो एक ये डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या था, न्यू ऑर्डर। अच्छा, तो बंदा कन्वर्जेशन शुरू करेगा हाय से, हाय के जवाब में मैं इंट्रो दूंगा उसको एक कि भाई हेलो यू हैव कॉन्टेक्टेड फला फला पिज़्ज़ा शॉप और वी हैव दिस 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 एंड दिस, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, है ना। फिर बंदा सामने से कहेगा कि गिव मी फहीता पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, ये इंटेंट की जो ट्रेनिंग फ्रेजेज हैं वो उससे समझ में आ जाएगा उसको कि ये ऑर्डर करना चाह रहा है पिज़्ज़ा का। अच्छा, अगर तो वो कहते हैं ना कि जस्ट प्लीज़ ऑर्डर, तो इंटेंट एक्टिवेट हो जाएगा और एक एक करके ये पैरामीटर कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। पैरामीटर कलेक्शन कैसे होती है, ये इंटेंट कैसे बना है, वो हमने लास्ट पूरा डिस्कस किया था। कोई ऐसा तो नहीं है जो लास्ट क्लास में मौजूद नहीं था, कोई ऐसा है यहाँ पे जो लास्ट क्लास में मौजूद नहीं था, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी, पिज़्ज़ा का साइज़ और पिज़्ज़ा का फ्लेवर, ये तीन चीज़ें पूछेगा। अच्छा, इन मिसाल के तौर पे अगर बंदे ने एक जुमले में ही तीनों बता दिया कि गिव मी टू लार्ज फहीता पिज़्ज़ा, तब तो उसको एक दफ़ा में ही समझ आ जाएगा और वो सीधा ये रिस्पॉन्स दे देगा यहाँ से। अगर उसको एक दफ़ा में ये बात समझ नहीं आती, अगर आपने कोई डेटा मिस किया, आपने बोला कि सिर्फ ऑर्डर पिज़्ज़ा, तो वो आपसे क्या पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा क्वांटिटी। क्वांटिटी में यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स हमने डिफाइन किए थे लास्ट क्लास में कि भाई हाउ मैनी पिज़्ज़ा वुड यू लाइक, यस जस्ट हाउ मैनी भी बोल सकता है वो। तो इन दोनों में से वो बदल बदल के सवाल पूछेगा कि कौन सा वाला, कितने पिज़्ज़ा आपको चाहिए। फिर अगला सवाल आपसे पूछेगा, जब तक नहीं मिलेगा वो पूछता रहेगा कि हाउ मैनी, जब तक उसको सही जवाब ना मिल जाए, ठीक है। अच्छा, जवाब में उसको क्या चाहिए होगा, सिस्टम डॉट नंबर डैश इंटीजर, ठीक है, उसको एक इंटीजर नंबर चाहिए होगा, ठीक है। सिस्टम एंटिटीज़ में ये शामिल है, आप कोई भी नंबर लिखेंगे ना तो उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। आप लिख देंगे कि 4690 तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, वो क्वांटिटी ये समझ लेगा कि 4690 ये क्वांटिटी हो गई, ठीक है। आमतौर पर जो यूज़र बोलेगा 2 या 3 या 5 या 1 बोलेगा तो वो उसको पकड़ लेगा। उसके बाद ये पिज़्ज़ा का साइज़ पूछेगा, पिज़्ज़ा का साइज़ जो है वो सिस्टम एंटिटी में मौजूद नहीं है क्योंकि ये बहुत कस्टमाइज चीज़ है, हर शॉप के अंदर साइजेज अलग अलग हो सकते हैं। तो उसके लिए हम फिर कहाँ पे मूव कर गए थे, हम एंटिटीज़ में मूव कर गए थे। एंटिटीज़ में जाने के बाद हमने यहाँ पे एक एंटिटी बनाई थी, पिज़्ज़ा साइज़ और पिज़्ज़ा फ्लेवर। पिज़्ज़ा साइज़ के अंदर हम आ जाते हैं, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, तीन हमने बनाया था और उसके कुछ सिनोनियम्स यहाँ पे लिखे थे। अगर कोई 16 इंच कहता है इसका मतलब है लार्ज पिज़्ज़ा की बात कर रहा है वो, ठीक है। और ये करने के बाद हम वापस जब उस एंटिटी में जाते हैं, उस इंटेंट में जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये एट द रेट करके पिज़्ज़ा साइज़ मैंने यहाँ पे बताया कि ये एंटिटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो ये पूछ रहा होगा कि व्हाट साइज़ आर यू लुकिंग फॉर, ये तीन प्रॉम्प्ट पूछेगा कि भाई कौन सा साइज़ चाहिए, तो इसके जवाब में उसको क्या चाहिए, उन्हीं एंटिटीज़ में से कुछ ना कुछ चाहिए उसको। या तो लार्ज, मीडियम, स्मॉल डायरेक्ट बोल दे बंदा, या तो उनके सिनोनियम्स में से कोई बात बोलेगा जब ही इसको समझ आएगा। अगर बंदा बोलता रहेगा कुछ और बात जो उसमें नहीं है तो ये नहीं समझेगा, ये बोलेगा भाई मुझे बताओ कौन सा साइज़, ऐसे बोलता रहेगा। सेम इसी तरह पिज़्ज़ा के फ्लेवर्स के लिए भी हमने एंटिटी बनाई वहाँ पे और 3 या 4 फ्लेवर हमने उसमें ऐड कर लिए और यहाँ पे प्रॉम्प्ट डिफाइन कर दिया कि व्हाट फ्लेवर वुड यू लाइक टू हैव, वी हैव टिक्का चीज़, फजीता, पेपरोनी, जो भी चीज़ें थी यहाँ पे। ये सजेशन देना लाजमी होता है क्योंकि यूज़र को, अगर ये हम सजेशन नहीं देंगे यूज़र को पूछेगा व्हाट साइजेस डू यू हैव, है ना, ऑब्वियसली वो ये पूछेगा, तो हम खुद से बता देते हैं। अच्छा, ये खुद से हमने चीज़ बता दी, ये सारे पैरामीटर कलेक्शन हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात आ गई, जो जवाब जो मैंने फिक्स करके लिखा था वो जवाब यहाँ पे आ गया लिखा हुआ। अच्छा, तो आज हमने बढ़ना है अब फुलफिलमेंट की तरफ। असूलन होना ये चाहिए था कि ये तमाम पैरामीटर्स जैसे ही कलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद ये कहाँ चला जाए, उसके बाद ये मेरे बताए हुए एक सर्वर के URL पे चला जाए और वहाँ पे मुझे ये तीनों पैरामीटर ना इसी तरह दे दे कि ये लो भाई जेसन में 3 पैरामीटर आ गए। अब उन 3 पैरामीटर को मैं ऑब्वियसली क्या करूँगा, डेटाबेस में सेव करूँगा और जिस यूज़र ने ये बात की है उसके नाम से सेव करूँगा।
ठीक है। अच्छा, अभी तो ये किसी वेबसाइट पे लगा हुआ नहीं है, इसमें कोई यूज़र इस वक्त नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब हम इसको वेबसाइट्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पे बाकायदा कोई ना कोई यूज़र लॉग इन हुआ होता है और हमें कुकीज़ में उसका डेटा मिल रहा होता है या सेशन स्टोरेज के अंदर उसका डेटा मिल रहा होता है या हर रिक्वेस्ट के साथ वो अपनी ईमेल खुद से भेज सकता है कि भाई वो बंदा कौन है। तो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में हमें यूज़र का पता चल रहा होता है कि यूज़र कौन है। अच्छा, हाँ अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ना दो चीज़ें जो हमें इस पॉइंट पे करनी है। नंबर एक तरीका कि एक तो हम हेलो वर्ल्ड का वो ना फुलफिलमेंट सर्वर सेटअप करें और ये तीनों चीज़ें वहाँ पे मुझे मिलें और मैं वहाँ से उसको जवाब भेजूँ, वहाँ से मैं कोई भी जवाब भेज सकता हूँ। एक तो ये काम है। दूसरा काम हमारे पास ये है कि जो ट्रेनिंग फ्रेजेज हैं और ये जो जवाब देने वाला जो तरीका है कि जवाब कैसे देना है, उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये चीज़ें हमने पढ़नी है। तो ये दो चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है ये पहला वाला हम पहले कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड एक फुलफिलमेंट सर्वर हम पहले सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद जब वहाँ से हेलो वर्ल्ड का जवाब दे देंगे हम, उसके बाद हम जाके ना ये पढ़ लेंगे कि यार इसकी फ़िलॉसफी क्या है, इसका डिज़ाइन जो है ना वो क्या है, डिज़ाइन पर्सपेक्टिव हम ज़रा डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो ये मैंने एक डायलॉग फ्लो के नाम से एक फोल्डर बना दिया। इसमें क्या करता हूँ, मैं एक नया वो बना देता हूँ, मैं सर्वर की फाइल। अच्छा, सर्वर की फाइल्स तो हमने पहले बनाई हुई है, उसी में से कॉपी करके लेकर आ जाता हूँ मैं। ये हमारी असल में पूरी की पूरी सर्वर की फाइल है। तो यहाँ से मैं ये सर्वर पैकेज डॉट जेसन, गेट इग्नोर और ये नॉट मॉड्यूल, ये हमारा एक कम्प्लीट सर्वर है, राइट। तो इस कम्प्लीट सर्वर को मैं उठा के ज़रा ले आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास एक्चुअल में वो एक सर्वर ही होगा। अच्छा, तो ये सर्वर ज़रा देख लेते हैं, इसमें इस वक्त क्या कुछ बना हुआ है। ठीक है, इस सर्वर में ये प्रोडक्ट की स्कीमा वगैरह बना हुआ है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। सही है, इस पाथ की मुझे ज़रूरत नहीं है, कोर्स की भी मुझे ज़रूरत नहीं है फिलहाल, मोंगोज़ की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो मोंगोज़ अल्टीमेटली मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा तो मोंगोज़ को मैं रहने देता हूँ। ठीक है, एक स्कीमा भी रहने देता हूँ मोंगोस का, क्योंकि इन फ्यूचर ये इस्तेमाल होगा। जाहिर है ऑर्डर जो आएगा मेरे पास वो मैं मोंगो डीबी में सेव करवाऊँगा। ठीक है, कोर्स की ज़रूरत नहीं है मुझे, जेसन की ज़रूरत है, क्योंकि जो डायलॉग फ्लो से जब यहाँ पहुँचेगा ना रिक्वेस्ट, तो उसकी बॉडी में वो डेटा मुझे दे के भेज रहा होता है। ठीक है, पोर्ट डिफाइन हो गया, स्लैश मैसेज करके जो आ रहा है। अब मेरे पास ये इतनी सारी APIs है ना, इन सबको APIs को मैंने उड़ा दूँ और सिर्फ एक API मैंने रख लेनी है। सही है, ये जस्ट एक API मुझे चाहिए, बाकी ये तमाम APIs क्या कर देता हूँ मैं, उड़ा देता हूँ। अच्छा, ये जो स्टेटिक है इसकी भी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, गो के ये सर्वर में होता है, ये बेसिक सर्वर का पार्ट है, लेकिन इसको भी मैं उड़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, नीचे ये MongoDB के कनेक्शन हुए हैं, तो क्योंकि मैंने MongoDB को रखा है तो इस कनेक्शन को भी रहने देता हूँ। ठीक है, गो के इस नीचे वाले कोड का ना मेन सर्वर से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये जो नीचे जो भी कोड लिखा हुआ है ये MongoDB स्पेसिफिक कोड है। तो हमारा जो, अच्छा, इसको भी मैं उठा के ना नीचे ही कर देता हूँ, ये जो स्कीमा है ना, इसको भी यहाँ से कट करके ना इधर ले जाता हूँ। ठीक है जी, इम्पोर्ट एक्सप्रेस MJS की फाइल हमने शुरू से बनाई है, तो हम उसी को ही लेके चलेंगे अब आगे। मोंगोज़ को रिक्वायर किया हुआ है, एक्सप्रेस को रिक्वायर किया हुआ है। मोंगोज़ का फिलहाल काम नहीं है, लेकिन इसी कोड में फ्यूचर में काम आएगा। एक्सप्रेस की अब इनिशियलाइज़ हुई, एक्सप्रेस डॉट जेसन यानी पोस्ट की बॉडी को पार्स करने के लिए हमने लगा दिया। उसके बाद पोर्ट की सेटिंग कर दी, पोर्ट का ना पी कैपिटल रखते हैं आमतौर पर, तो मैं इसका पी भी कैपिटल कर देता हूँ। सही है, ये कैपिटल का मतलब होता है कि भाई कांस्टेंट है ये चीज़। ठीक है, और एनवायरनमेंट वेरिएबल से भी जो चीज़ें निकालते हैं वो आमतौर पर कांस्टेंट में रखते हैं और उसको भी कैपिटल में ही रखते हैं।
अच्छा इसका मैं अपनी API का नाम रख देता हूँ वेबहुक। वेबहुक किस चीज़ को कहते हैं टेक्निकली, किसी को पता है? देखो हुक जो होता है ना, ये वही हुक है जो रिएक्ट में पढ़ते थे हम। रिएक्ट में हमने हुक पढ़े थे ना, क्या होता है बताओ? किसी कंपोनेंट के साथ अटैच हो जाता है एक फंक्शन, उसको हम हुक कहते हैं। ठीक है कि भाई ये कंपोनेंट चेंज होगा तो ये चलेगा, या इसके चलने पे कंपोनेंट चेंज होगा, तो हुकअप हुआ है, वाइस वर्सा चल रहा है। ये जो वेब हुक होता है ना, वेब हुक का मतलब ये होता है कि एक ऐसी API जो कुछ होने पे चलेगी, यानी वेब में कुछ होगा जिसके अगेंस्ट ये API रन होगी। सही है। अच्छा तो ये वेब हुक हमारे केस में कब चलेगा? डायलॉग फ्लो पे कोई बंदा आया के बात करेगा और जब सही सही तीनों पैरामीटर दे देगा, उसके बाद डायलॉग फ्लो इसको हिट करेगा। डायलॉग फ्लो इसको रिक्वेस्ट करेगा, हम डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे। यानी एक मशीन मेरे इस वेबहुक को हिट कर रही होगी। तो वेबहुक का मतलब ये होता है कि वो हुक है। मिसाल के तौर पे वेबहुक और किस तरह के हो सकते हैं कि फेसबुक पे कोई मुझे मैसेज करे तो एक फंक्शन चल जाए, ये हुक है एक। ठीक है, फेसबुक पे फला फला पोस्ट के ऊपर अगर कोई कमेंट करे तो ये फंक्शन चल जाए। आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक पे आप जाते हैं किसी पोस्ट पे कमेंट करते हैं तो फौरन चैटबॉट आपको बात करने लग जाता है आपसे। अब तो बहुत कम होता है, शुरू शुरू में जब आया था तो बहुत लोग करते थे, फिर बाद में लोगों को समझ आया इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, लोग एनॉयड हो जाते हैं। तो हुक जो है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। मैं बोलूँ कि यार जब मैं ये दरवाज़ा खोलूँ ना क्लास का आगे, तो एक API चल जाए क्लाउड में कहीं कि ये गेट ओपन हो गया है। तो इस तरह की चीज़ को हम क्या कहते हैं? वेब हुक कहते हैं। तो ये वेब हुक कोई डायलॉग फ्लो स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, एक जेनेरिक नाम है, इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा अब इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा? बॉडी के अंदर जो है ना, वो पूरा का पूरा जो NLP है ना, मुझे वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। मिसाल के तौर पे जो बंदा बात कर रहा है, बंदे ने बोला ऑर्डर पिज़्ज़ा, और वो अच्छा जब तक वो तीनों पैरामीटर कलेक्टर होंगे ना, रिक्वेस्ट इधर नहीं आएगी। नॉर्मल केसेस में मैंने क्या बताया कि जब तक वो तीनों पैरामीटर कलेक्ट हो रहे हैं ना, इधर रिक्वेस्ट नहीं आएगी। ठीक है, एडवांस केसेस में आ भी सकती है, वो बाद में बताएंगे हम कैसे आती है। जब तीनों पैरामीटर कलेक्ट हो जाएंगे, तो तीनों पैरामीटर कलेक्ट होने के बाद वो तमाम का तमाम जो बात हुई है यूज़र से, वो क्योंकि NLP प्लेटफॉर्म है डायलॉग फ्लो। NLP का मतलब क्या होता है कि यूज़र ने जो नेचुरल लैंग्वेज में बात की है उसको वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके आपको दे दे, ताकि आप उससे फर्दर प्रोसेसिंग करें। अच्छा तो वो आपको एक ऑब्जेक्ट देगा जिसमें तीन पैरामीटर होंगे, उसके अलावा आपको इंटेंट का नाम एक लिख कर देगा कि इंटेंट कौन सा था, यानी पैरामीटर तो हर इंटेंट में होंगे। अगर कंप्लेन का इंटेंट था तो पैरामीटर अलग होंगे, मैं अलग पैरामीटर के लिए लुक करूँगा, आई वुड बी लुकिंग फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स। अगर ऑर्डर का इंटेंट है तो आई वुड बी लुकिंग फॉर डिफरेंट पैरामीटर। तो जाहिर है मुझे की कैसे पता चलेगी कि कौन से पैरामीटर मैं देखना चाह रहा हूँ? तो इंटेंट का नाम होगा, इंटेंट के नाम के अलावा टाइम वगैरह होगा कि कब रिक्वेस्ट हुई है, और एक बहुत लंबा चौड़ा सा एक ऑब्जेक्ट है, वो भी हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को अलग करके, ये तो पहले का लिखा हुआ कोड है, इसको मैं उड़ा देता हूँ। पहले का लिखा हुआ जो कोड है ना, ये कुछ लंबा चौड़ा कोड है, ठीक है। तो ट्राई के ऑब्जेक्ट, ट्राई की बॉडी में मैं ये काम कर रहा हूँ, राइट। अच्छा ट्राई की बॉडी में करने का रीज़न क्या है कि इसके दरमियान में कोई भी एरर अगर होता है तो मैं उसको कैच में पकड़ लूँ, बजाय इसके कि मेरा सर्वर पूरा का पूरा क्रैश हो गया। अगर मैं ये कैच नहीं लगाता हूँ, यानी ट्राई कैच के बॉडी के बगैर खुला लिख देता हूँ ये, तो अगर बीच में कहीं पे भी कोई एरर हुआ तो मेरा पूरा सर्वर क्रैश हो जाएगा, कोड स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगली रिक्वेस्ट पे सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा उसको। और चलो तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को मैंने अलग कर लिया। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को अलग करने के बाद मैं क्या देखने जा रहा हूँ? मैं अब ये देखने जा रहा हूँ कि जब मेरे पास डायलॉग फ्लो से ऑब्जेक्ट जो आएगा वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा देखने में, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे और उनको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा और अगर एरर हो जाता है तो उस सूरत में भी रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यानी जाहिर है जब वेबहुक में वो डेटा पूरा पहुँच जाएगा तो वेबहुक से मैं प्लेन टेक्स्ट नहीं भेज सकता डायलॉग फ्लो को एज अ रिस्पॉन्स, वो भी मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और एक सर्टेन वे में बनाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट। जब ही डायलॉग फ्लो को समझ आएगा कि अच्छा सर्वर से ये रिस्पॉन्स आया है और ये यूज़र को इस तरह से दिखाना है, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो
तरीका है बनाने का वो हम अब देखने जा रहे हैं, और वो देखते ही हम जा उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, जल्दी से एक यहाँ पे से रिस्पॉन्स बना के दे देंगे कि भाई आपका डेटा ना यहाँ यहाँ सेव हो गया सर्वर में, ऐसे ऐसे करेंगे। डायलॉग फ्लो ई एस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, सॉरी हाँ, अच्छा जी, तो रिक्वेस्ट जो आएगी हमारे पास वो कुछ इस तरह की आएगी, रिस्पॉन्स जो हमें करना है वो कुछ इस तरह से करना है, ठीक है। रिस्पॉन्स का डॉक्यूमेंट थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, तो पहले तो हम रिक्वेस्ट को देख लेते हैं, और रिक्वेस्ट को देखते हुए हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसको हैंडल करने की ना एक लाइब्रेरी भी है डायलॉग फ्लो की खुद की, मगर वो लाइब्रेरी ना बहुत ही वाहियात है, सही है, तो बेहतर ये है कि आप उसको यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। तो हम ये डायरेक्ट जेसन में भेजता है, वो जेसन हमें दिख रही है यहाँ पे कि अच्छा यार ये होता है जेसन में, और रिस्पॉन्स में क्या भेजना है वो भी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि भाई टेक्स्ट होगा तो ऐसे भेजना है, कार्ड होगा तो ऐसे भेजना है, तो बस हम जेसन में ही इसको भेजेंगे, लाइब्रेरी के चक्करों से हम दूर ही रहें तो बेहतर है। तो लाइब्रेरी टाइम बहुत खाती है। अब उसमें अभी कल मैं हमाद भाई का एक वो देख रहा था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो क्विक रिप्लाई जो है ना वो नहीं चल रहा, डॉक्यूमेंटेशन भी ढंग से नहीं की हुई उन्होंने, पता नहीं ज़बरदस्ती किसी ने लाइब्रेरी लिखवा दी उनसे, और वो मुझे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया भाई, मैंने उनसे बोला यार डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं है, तो मुझे ब्लॉक कर दिया। तो भाई लाइब्रेरी को छोड़ देते हैं फिलहाल। अच्छा, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना पूरा का पूरा, ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसको कॉपी करके मैं कॉपी क्यों नहीं हो रहा ये, हाँ कॉपी का बटन भी तो है इसमें, कॉपी करके ना मैं इसको मैं यहाँ पे लाके ऐसे यहाँ पे रख लेता हूँ अपने पास, हेल्प आउट होती रहता कि मुझे ना, मैंने कहा कि भाई कॉन्स्ट वेबहुक रिक्वेस्ट, सही है, ऐसी मैंने एक वेरिएबल बना दिया ऊपर वेबहुक रिक्वेस्ट कि भाई इस तरह का कुछ आता है मेरे पास। अच्छा, अब देखो इसमें क्या 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 आता है देखते हैं कि करके, रिस्पॉन्स आईडी, ठीक है, कि जो भी एक यानी जो रिस्पॉन्स भेजा जा रहा है उसकी एक आईडी होती है ना, जो मुझे यहाँ पे भी, अब यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो ना जहाँ पे इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसको मोर डिटेल ये रहा, ताकि ना वहाँ पे जाके हम एक एक को पढ़ लें। वेबहुक रिक्वेस्ट, वेबहुक रिक्वेस्ट क्या ना, ईच वो पैरामीटर जो है उसका मतलब क्या है, नाम क्या है उसका, हाँ रिस्पॉन्स आईडी, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द रिस्पॉन्स कंटेन्स द सेम वैल्यू एज डिटेक्ट इंडेंट रिस्पॉन्स आईडी, ठीक है, तो एक यूनिक आईडी होती है इस रिक्वेस्ट, इस असल में मेरे पास तो ये एज अ रिक्वेस्ट आया ना, लेकिन डायलॉग फ्लो तो मुझे रिस्पॉन्स भेज रही है असल में, तो ये डायलॉग फ्लो ने एक रिस्पॉन्स की यूनिक आईडी बना के भेजी है, यानी डायलॉग फ्लो के हिसाब से ये रिस्पॉन्स बनता है, लेकिन मेरे सर्वर पर ये इनकमिंग है तो मेरे हिसाब से रिक्वेस्ट है ये। अच्छा, फिर एक सेशन है, सेशन क्या चीज़ होती है कि यूज़र जब बात करना शुरू करता है ना चैटबॉट से, डायलॉग फ्लो के चैटबॉट से जब यूज़र बात करना शुरू करता है, तो मुझे वो डायलॉग फ्लो कहता है कि जैसे ही पहला मैसेज बंदा भेजेगा तो आपने ना एक सेशन आईडी खुद से बना के भेजनी है यूनिक। आम तौर पे हम क्या करते हैं, उस बंदे की जो अंडरस्कोर आईडी है ना अकाउंट की, या उसका ईमेल जो है, ईमेल असल में काम नहीं करता सेशन पे क्योंकि वो स्पेशल कैरेक्टर में मस्ती करता है कुछ, ठीक है, ईमेल में स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर वो अलाउ नहीं करता, ठीक है, तो या तो आप ईमेल में से ही सारे स्पेशल कैरेक्टर हटा दें और उसको भेज दें एज अ यूनिक आईडी, या ऑन अदर हैंड हम क्या करते हैं कोई यूनिक आईडी जनरेट कर लेते हैं हर यूज़र के लिए, तो हम वो यहाँ पे भेज रहे होते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह से है क्योंकि चैट बॉट से तो बैक वक्त कई लोग बात कर रहे हैं, वो डिस्टिंग्विश कैसे करेगा कि किससे पहले क्या बात हुई थी, समझ लो, मिसाल के तौर पे किसी ने बोला ऑर्डर पिज़्ज़ा, अब ऑर्डर पिज़्ज़ा में उसने नाम नहीं बताया, फ्लेवर का और साइज़ का नाम नहीं बताया, अब उससे वो पूछेगा कि हाउ मैनी पिज़्ज़ा वुड यू लाइक, है ना, एक बंदे से ये बात हो रही है, अब कोई दूसरा बंदा है वो कह रहा है आई हैव अ कंप्लेंट, तो इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेगा, तो वो सेशन आईडी हम शुरू में ही बना देते हैं। अच्छा, ये सेशन आईडी क्या होती है, जब बातचीत चलती रहेगी ना तो ये चलता रहता है, एक सेशन आईडी पे ये बात हो रही होती है।
तो वो सेशन आईडी ये ला के देता है। इस सेशन आईडी से आमतौर पे हम यूज़र की ऑथेंटिकेशन भी समझ लेते हैं कि ये कौन यूज़र है, क्योंकि उसी सेशन आईडी में हमने ईमेल अगर डाला हुआ है या यूनिक आईडी डाली हुई अंडरस्कोर वाली, तो इससे भी हम समझ लेते हैं। लेकिन असल में ये सेशन आईडी जो है वो एक सेशन को आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, उसके बाद है क्वेरी रिजल्ट। क्वेरी रिजल्ट के अंदर ना ये टेक्स्ट क्वेरी आ रही है कि बंदे ने जो है ना बोला क्या है, यानी आखिरी जो बात हुई है ना बंदे से, जुमला जो बोला है बंदे ने वो ये बोला है। ठीक है, अगर बंदे ने बोला है ना कि भाई तीन क्वेश्चन पूछे थे ना मैंने, तीसरा क्वेश्चन का जवाब जब वो देगा तो यहाँ पे वो लिखा पाएगा। तीसरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट फ्लेवर वुड यू लाइक टू हैव, तो बोलेगा भाई फहीता, तो यहाँ फहीता लिखा पा रहा होगा जो लास्ट जो बात हुई है उसकी। उसके बाद पैरामीटर्स अभी तक कौन कौन से कलेक्ट हो चुके हैं वो यहाँ पे आ रहा होगा, पैरामीटर वन, पैरामीटर टू, पैरामीटर थ्री, है ना, ऐसे वन और ये टू और थ्री ऐसे करके आ रहा होगा। तीन पैरामीटर मेरे हैं तो तीनों आ रहे होंगे ऐसे। अच्छा, इसी तरीके से फुलफिलमेंट टेक्स्ट आ रहा होगा। फुलफिलमेंट टेक्स्ट कौन सा वाला है, जो इस इंटेंट के जवाब में जो बात बोली जानी है वो बात लिखी भी आ रही होगी यहाँ पे। अच्छा, वो क्या बात लिखी भी आ रही होगी, जो मैंने वो डायलॉग फ्लो में बनाते हुए बता दिया था पहले कि ये इसका जवाब होना चाहिए, वो लिखा हुआ होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो टेक्स्ट है प्लेन टेक्स्ट, और यहाँ पे जो है वो इसके रिच मैसेजेस होंगे। अब वो अच्छा, रिक्वायर्ड ऑल पैरामीटर्स, ऑल रिक्वायर्ड पैरामीटर प्रेजेंट, मिसाल के तौर पे जो तीन पैरामीटर था वो तीनों कलेक्ट हो गए तो यस होगा यहाँ पे, अदरवाइज नो होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो तीनों पैरामीटर कलेक्ट होने के बाद ही रिक्वेस्ट यहाँ पहुँचेगी हमारे इस केस में, नॉर्मल केस में। ठीक है ना, अभी तो हम वो एडवांस वाला हमने नहीं पढ़ा कि दरमियान में भी इधर पहुँचे, वो वाला हमने काम नहीं पढ़ा अभी। अच्छा, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट बता रहा है, कॉन्टेक्स्ट हमने डिस्कस नहीं किया। उसके बाद इंटेंट के नाम के बारे में कुछ बता रहा है, डिस्प्ले नेम इंटेंट का जो है ना वो ये वाला होगा। ठीक है, हमारे केस में न्यू ऑर्डर ऐसे करके होगा। डिटेक्ट इंटेंट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि जो बात बंदे ने बोली थी ना कि भाई ऑर्डर पिज़्ज़ा, तो ये कितना कॉन्फिडेंट है डायलॉग फ्लो का एल्गोरिथम एआई का कि ये ऑर्डर की बात हो रही है। वन का मतलब होता है 100% और जीरो का मतलब होता है 0%, तो ये 0.8, 0.7, 0.9, 0.98 ऐसे वैल्यू कुछ यहाँ पे होगी। उसके अलावा लैंग्वेज होगा कि ये चैटबॉट किस लैंग्वेज में बना हुआ है। जैसा कि आपको पता है डायलॉग फ्लो सिर्फ इंग्लिश में नहीं बल्कि कुछ और कई जुबानों में भी मौजूद है। बीच में उर्दू में भी इन्होंने लॉन्च किया था लेकिन फिर वो डिसकंटिन्यू कर दिया। इसके बाद डायग्नोस्टिक इन्फो यहाँ पे होगी। डायग्नोस्टिक इन्फो ये होगी कि वो लॉग्स वगैरह जो है ना कुछ, कि कहाँ से रिक्वेस्ट उठी, कहाँ गई, कितना टाइम लगाया, किस किस जगह से होते हुए आई है, वो सारी बातें यहाँ बीच में लिखी हुई होंगी। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से ना इंटेंट का नाम अलग करना है। पहले इंटेंट का नाम मैं कैसे अलग करूँगा, आ जाओ देख लो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्वेरी रिजल्ट, है ना, क्वेरी रिजल्ट और डॉट, इसको हम कॉन्टेक्स्ट को बंद कर दो, क्वेरी रिजल्ट डॉट इंटेंट डॉट डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम भी कर सकता हूँ ये वाला भी, इसमें ये पूरा देता है प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट की आईडी, एजेंट का नाम, इंटेंट का नाम और इंटेंट की यूनिक आईडी, ये पूरा देता है। तो ये पूरा मुझे चाहिए तो मैं स्लैश स्लैश करके जो भी निकाल लूँ इसमें से, अगर मुझे सिर्फ नाम चाहिए तो मैं यहाँ पे लगा लूँ। समटाइम ऐसा होता है कि मल्टीपल एजेंट को भी हम कनेक्ट करते हैं, अभी वो कन्फ्यूज़ नहीं होना उससे। समटाइम ऐसा होता है कि मल्टीपल एजेंट की रिक्वेस्ट एक ही सर्वर पर आ रही होती है, उस केस में भी पूरा वाला काफ़ी हेल्प मिलता है कि अच्छा यार ये इस प्रोजेक्ट आईडी से रिक्वेस्ट है, वो उस प्रोजेक्ट आईडी से, तो ये पूरा यहाँ पे इसलिए इन्होंने दिया हुआ होता है। तो आ जाते हैं जी हम क्वेरी रिजल्ट डॉट इंटेंट डॉट डिस्प्ले नेम। बॉडी डॉट क्वेरी रिजल्ट डॉट इंटेंट डॉट इंटेंट क्या था डिस्प्ले नेम। ठीक है, तो ये इंटेंट का नाम हमने अलग कर लिया। अच्छा, इंटेंट का नाम अलग करने के बाद ये मुझे पैरामीटर्स जो कलेक्ट हो चुके हैं ना वो मुझे इकट्ठे करने हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्वेरी रिजल्ट डॉट पैरामीटर्स। ठीक है, मैंने लिखा पैराम्स, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी रिजल्ट डॉट क्या था, रिक्वेस्ट और क्वेरी रिजल्ट डॉट पैरामीटर्स। ठीक है, अब ये पैरामीटर्स ना एक सिंगल ऑब्जेक्ट होगा। अब पैरामीटर डॉट क्यू टी वाई करके क्वांटिटी और पैरामीटर डॉट फ्लेवर, पैरामीटर डॉट साइज़,
ये तीन चीज़ें मुझे इस पैरामीटर करके मिल जाएंगी यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, पैरामीटर्स जो भी मुझे मिले हैं और जो भी मुझे इंटेंट का नाम मिला है उसको देखते हुए मुझे यहाँ से एक जवाब देना है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि इफ़ इंटेंट नेम इक्वल्स इक्वल्स, जो भी मेरा इंटेंट का नाम था वो मैं पकड़ के ले आता हूँ, न्यू ऑर्डर नाम था। ठीक है, अच्छा ये एक चीज़ याद रखना, न्यू ऑर्डर के आखिर में अगर स्पेस होगा ना ऐसे, तो स्पेस को काउंट करता है भाई, ये पूरे पूरा दिन ज़ाया हुआ है इसमें मेरा। तो ये मेक श्योर करना है कि लास्ट में या शुरू में कोई स्पेस ना हो इसका, क्योंकि स्पेस डाल के सेव कर दिया ना वो जवान हो भी जाता है और वो फिर उसको कंसिडर करता है भाई, उसको उस स्पेस को। मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ तो लिखा हुआ रहा है न्यू ऑर्डर, मैच करवा रहा हूँ फॉल्स दे रहा है, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। अच्छा वो कर भी मैं लाइब्रेरी से रहा था तो लाइब्रेरी में तो पता नहीं चलता कि वो इंटरनली कर कैसे रहा है, अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो वो यही आ रहा है न्यू ऑर्डर और मैच हो नहीं रहा, वो इंटेंट लग नहीं रहा। अब मैं समझ में नहीं आ रहा कि लाइब्रेरी का कोई बग है या क्या चक्कर है, तो इनको चाहिए ना कि उसको ट्रिम कर दें अंदर, लाइब्रेरी लेवल पे जब हुआ हुआ है तो लाइब्रेरी का फ़ायदा क्या, उसको ट्रिम कर दें, स्पेस हटा दें वाइट वाले, लेकिन उन्होंने नहीं किया भाई। डायलॉग फ्लो में भी उसको चाहिए कि यार जब यहाँ से सेव करता हूँ मैं तो वाइट स्पेसेस को ट्रिम करके करें ना सेव, ये तो एक जनरल प्रैक्टिस है, वो इन्होंने नहीं किया। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें जिसका अपना ख्याल रखना है। अच्छा, तो मैंने कहा इंटेंट नेम अगर न्यू ऑर्डर है, सही है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से पहले तो पैरामीटर्स को यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ भाई कलेक्टेड पैराम्स और कॉमा डाल के मैंने ये पैराम्स को प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे मैं एक जुमला कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ठीक है। अब जुमले की कंस्ट्रक्शन में ना ES6 का जो टेम्पलेट है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, तो मैं कहता हूँ लेट रिस्पॉन्स टेक्स्ट इक्वल्स टू ES6 का ये बना दिया मैंने कि यू सेट, और मैं कहता हूँ भाई पैराम डॉट पैराम्स में मुझे उसी नाम से मिलेगा पैरामीटर जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे इस नाम पे डिपेंड करता है, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, राइट। इसमें मैं जो भी लिखूँगा ना वही आ जाएगा, तो मैं एग्जैक्टली वही बात लिखूँगा। इसमें भी स्पेस काउंट होता है, तो स्पेस मेक श्योर कीजिएगा कि इसके लास्ट में स्पेस ना हो, ठीक है। ऐसे स्पेस अगर डला हुआ है ना, ये स्पेस डला हुआ तो ये काउंट होता है, तो मेक श्योर कीजिएगा ऐसे करके कि ये स्पेस ना डला हो। तो मैंने कहा क्वांटिटी पिज़्ज़ा साइज़ और पिज़्ज़ा फ्लेवर, ठीक है। तो मैंने कहा QTY यू सेट टू फहीता पिज़्ज़ा, है ना। क्या था फ्लेवर, हाँ टू लार्ज ऐसे करके ना। टू लार्ज और फहीता पिज़्ज़ा, योर पिज़्ज़ा इज़ ऑन द वे, दिस रिप्लाई केम फ्रॉम सर्वर, सही है, वेबहुक सर्वर। ये भी मैंने साथ में अटैच किया इसके, ताकि क्या हो जाए, अरे ये रैप क्यों नहीं कर रहा है इसको, सही है, रैप किया मैंने ताकि वो अगली लाइन में लेकर आए उसको। मैंने कहा कि भाई दिस रिप्लाई केम फ्रॉम वेबुक सर्वर, ताकि मुझे मेक श्योर करना चाह रहा हूँ मैं कि वो मेरे वेबुक सर्वर से ही आया है या वहाँ लिखा हुआ जो होता है उससे आ गया। अच्छा, जब मैं वेबुक से रिप्लाई पकड़ता हूँ तो उससे क्या होता है कि वहाँ जो लिखा हुआ रिस्पॉन्स है ना वो नीचे चला जाता है प्रेफरेंस में, सही है, ये ऊपर आ जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर रिस्पॉन्स में क्या लिखा हुआ था कि हेयर इज़ योर दिस 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 पिज़्ज़ा और इमोजी के साथ इन्जॉय लिखा हुआ था। तो ये डायलॉग फ्लो क्या ट्राई करेगा, ये जब तीनों पैरामीटर कलेक्ट हो जाएंगे ना तो भेजेगा रिक्वेस्ट को इधर सर्वर पे। अगर तो यहाँ से जवाब मिल जाता है तो ये वाला जवाब यूज़र को दिखाया जाएगा जो यहाँ से मिल जाएगा। अगर यहाँ से जवाब मिलने में कोई एरर आ जाता है या 5 सेकंड तक वो वेट करता है, अगर 5 सेकंड तक सर्वर कोई जवाब नहीं देता तो फिर एज अ फॉल बैक जो है ना उसको फिर ये वाले को चला देता है, सही है। तो जवाब दोनों मौजूद रहते हैं लेकिन प्रेफरेंस इस वाले की ज़्यादा हो जाती है जो सर्वर से जवाब मिल रहा है, ठीक है।
अच्छा, अब ये हमने जुमला तो कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब इसको भेजना है हमें वापस डायलॉग फ्लो को, तो रिस्पॉन्स का भी क्या बना हुआ है यहाँ पे, एक पैटर्न बना हुआ है, एक तरीका बना हुआ है प्रॉपर, हमें उसी तरीके से रिस्पॉन्स भेजना है, अदरवाइज उसको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तो ये रिक्वेस्ट हो गया, अब इसी तरीके से अब आ जाओ रिस्पॉन्स आगे, ठीक है। रिस्पॉन्स के बारे में ये क्या कह रहे हैं कि वंस योर वेबहुक रिसीव अ वेबहुक रिक्वेस्ट, इट नीड्स टू सेंड वेबहुक रिस्पॉन्स, द बॉडी ऑफ दिस रिस्पॉन्स इज अ जेसन ऑब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द रिस्पॉन्स डायलॉग फ्लो रिटर्न टू द एंड यूजर, कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, फॉलोअप इवेंट हो सकता है और कस्टम पेलोड हो सकता है। फिलहाल हम एक सिंपल रिस्पॉन्स भेजना चाह रहे हैं, ये एडवांस चीज़ें हम फिलहाल देखना नहीं चाह रहे हैं। तो हम आ जाते हैं नीचे और एक सिंपल टेक्स्ट रिस्पॉन्स कैसे भेजा जाता है, वो ऐसे भेजा जाता है। इसको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है, ये रिस्पॉन्स, ये इस वाले की बात हो रही है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके ना मैं पूरा ये जेसन ऑब्जेक्ट पूरा यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, है ना, ऐसे करके। अच्छा, और ये जो टेक्स्ट था यहाँ पे ये वाला, इसकी जगह मुझे क्या करना है, मेरा वाला टेक्स्ट रिस्पॉन्स रख देना है। अच्छा, ये देख रहे हैं अभी कि एरे बना हुआ है एक, इस एरे का मतलब क्या है कि मल्टीपल भी हो सकता है, ये सही है। अच्छा, मल्टीपल डायलॉग फ्लो पे जो है ना सही काम नहीं करता, मतलब मल्टीपल यहाँ से देके भेजो ना तो आता पहला वाला है सर हमेशा, हाँ ये एक बात, अब ये एक चक्कर है, अभी देके देख लेते हैं मल्टीपल। हम इसमें मैंने कॉमा डाल के ना एक और स्ट्रिंग लिख दिया, मैंने कह दिया कि भाई दिस इज अल्टरनेट रिस्पॉन्स फ्रॉम वेबहुक सर्वर, ये भी बात लिख दी, चलो ठीक है, ताकि पता चल जाए कि भाई एक ही आता है या नीचे वाला भी आता है कभी। तो अभी हम करके देख लेते हैं, हमेशा पहला वाला देता है, सही है। तो आम तौर पे इसके लिए हम तरीका क्या करते हैं कि हम यहीं पे ना चार रिस्पॉन्स बना के और एक रैंडमली उसमें से चूज़ करके वो रखते हैं, एक ही भेजते हैं हमेशा, सही है। अब वहाँ जो रखते हैं ना वो सही काम करता है, जो चार रखा हुआ उसमें से अलग अलग दे रहा होता है, लेकिन यहाँ से नहीं काम करता ये भाई। अब इसके बग्स हैं छोटे मोटे, ये आपको, अच्छा ये डॉक्यूमेंट में बहुत ख्वार हुआ इन चक्रों में कि यार ये क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन वो अल्टीमेटली पता चला कि ये ऐसा ही है, सही है, यही है बस फिलहाल के लिए जो भी है। अच्छा, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को कन्फिगर कर दिया। अच्छा, अभी यहाँ पे ये रिस्पॉन्स सिर्फ उस सूरत में करेगा कि इफ़ इंटेंट नेम इज़ न्यू ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, इसका एल्स भी तो होना चाहिए ना कुछ, कि अगर इंटेंट नेम कुछ और हुआ तो, मैंने कहा भाई एल्स में आ जाओ, और एल्स में आके भी मैं एक ऐसा ही रिस्पॉन्स यहाँ से भी भेजूँगा, और ऐसा ही रिस्पॉन्स भेज के मैं क्या बोलूँगा कि टेक्स्ट की जगह पे मैं बोलूँगा कि भाई सॉरी वेबहुक डोंट नो आंसर फॉर दिस इंटेंट, सही है। अगर इंटेंट का नाम जो है न्यू ऑर्डर हुआ जब ही ये जवाब देगा ये वाला, अदरवाइज वो बोलेगा कि भाई वेबहुक को इस सवाल का जवाब नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मेरे पास सर्वर सेटअप हो गया कि रिक्वेस्ट आएगी, उसका मैंने पैरामीटर प्रिंट करवाया, उस पैरामीटर को लेखते हुए एक जुमला कंस्ट्रक्ट किया और रिस्पॉन्स भी भेज दिया। अब एक सवाल ये रह गया कि भाई ये रिक्वेस्ट जो है ना, यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है, यहाँ पे रेड कलर का बना के दे रहा है लेकिन एरर आ कहाँ पे रहा है। मेरा ख्याल है ये इसी में कोई एरर है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये जो लेकर आया हूँ ना ऊपर से, हाँ इसी में ही था एरर, इसी में कहीं कॉमा कहाँ पे नहीं, हाँ यस यस, हाँ अभी सही हो गया। तो ऐसे ही मुझे बता रहा है कि यार एरर आ रहा है पता नहीं किस चीज़ का। अच्छा, अब वो रिक्वेस्ट यहाँ पहुँचेगी कैसे, ये एक क्वेश्चन है। इस सर्वर को मैं रन कर देता हूँ सबसे पहले, तो मैंने कहा npm i, चलो चला देता हूँ npm i चला दिया। अच्छा, ये मैं गलत फोल्डर में हूँ बाय द वे, इसको मैं डिलीट करके सही फोल्डर में आ जाता हूँ। मैंने कहा भाई cd4 डायलॉग फ्लो और npm i तो वैसे हुआ हुआ इसमें। अच्छा, और npm run dev, तो ये मेरा सर्वर चल गया पोर्ट 5001 पे, मेरा सर्वर चल गया। अब ये पोर्ट 5001 तो मेरी मशीन में, अच्छा आप भी इसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि आप सेम नेटवर्क पे हैं जिस पे मैं हूँ।
मसला ये है कि डायलॉग फ्लो तो चल रहा है क्लाउड में, ये जो डायलॉग फ्लो हम बना रहे हैं, जो टेक्स्ट ये सब कुछ लिखा है मैंने और ये सेव का बटन दबाता हूँ तो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग मेरे कंप्यूटर में तो नहीं हो रही, वो हो रही है गूगल के क्लाउड सर्वर्स के अंदर, है ना। अब गूगल के क्लाउड सर्वर को अगर मैं ये बताता हूँ कि लोकल होस्ट 5001, तो वो तो ढूंढेगा अपने मशीन के अंदर लोकल होस्ट, वहाँ उसको मिलेगा नहीं वो। अब इसका क्या हल निकाला जाए? एनजीरॉक, सही है। अच्छा, एनजीरॉक एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है कि किसी भी लोकल होस्ट पे चलने वाले सर्वर का HTTPS लिंक बना के मुझे दे देती है टेम्प्रोरी तौर पे। अच्छा, वो HTTP लिंक मैं दुनिया में कहीं भी भेज दूँ किसी को, अगर वो उस HTTP लिंक पे रिक्वेस्ट भेजता है तो वो रिक्वेस्ट मेरे लोकल होस्ट 5001 पे आ जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं या इस अप्रोच को हम कहते हैं टनलिंग, ठीक है, टनल बनाता है वो। तो आ जाते हैं जी, और एनजीरॉक का जरा हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। इन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स में से वो हटा दिया पुराना वाला, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा डायग्राम बनाया हुआ होता था पहले। हाँ, ये रहा। ये कहता है भाई कि आप ना जो भी बंदे हैं ना, आप एनजीरॉक लगाओ और वो पूरी दुनिया में अवेलेबल हो जाता है सब जगह। ये डेवलपर का कंप्यूटर है ये जो बना हुआ है, जिसमें टर्मिनल छोटा सा दिख रहा है। इसने एनजीरॉक एक्टिवेट किया तो इसने फायरवॉल और ये नेट को क्रॉस करके जो है ना क्या बना दिया, एक ngrock.com के सर्वर से जो है ना उसको होस्टिंग कर दी उसकी। और इस तरीके से ये चल रहा होता है, अगर इस डायग्राम को समझ सको तो समझ लो। सही है, थोड़ा सा कंजस्टेड करके बनाया वरना ये डायग्राम बहुत अच्छी है। ठीक है कि ये कंप्यूटर है और ये कोलैबोरेटर्स हैं। कोलैबोरेटर्स मतलब अमेरिका में कनाडा में कोई बंदा बैठा हुआ है और आपकी लोकल मशीन पे चलने वाली चीज़ को वो एक्सेस करेगा वहाँ से बैठ के। अच्छा, इंस्टॉलेशन कैसे होती है इसकी, आओ ज़रा देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन की कमांड इसकी बहुत आसान है, npm install ngrock -g का मतलब है कि ग्लोबली इंस्टॉल होगा आपके। ये CLI टूल है असल में, ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, ये CLI टूल है। और उसके बाद चलाने का जो कोड है वो क्या है, ngrock HTTP और जो भी पोर्ट आपकी है, मेरे केस में 5001 है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, हालांकि मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है, लेकिन एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेने में वो तो पुराना वर्जन होगा तो वो सेट हो जाएगा। अच्छा, sudo लिख के इंस्टॉल करना होगा अगर आप लिनक्स पे या मैक पे हैं तो, क्योंकि -g वाली कोई भी चीज़ बगैर sudo के इंस्टॉल नहीं होती, वो एरर दे देता है लास्ट में कि मुझे एक्सेस नहीं मिल रहा। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, ngrock, ठीक है, ये मैं जूम इन कर देता हूँ, HTTP 5001 और एंटर। ये कमांड लिखते ही क्या हुआ, इसने मुझे ना एक लिंक दे दिया। अच्छा, एक लिंक इसने दिया है HTTP वाला, एक दिया है HTTPS वाला, तो मुझे HTTPS वाला चाहिए। सही है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे ना इसको बड़ा करना पड़ेगा टर्मिनल को, वो पूरा लिंक ना दिख रहा नहीं था। सही है, देखो यहाँ पे क्या इसने बताया है, इसने बोला कोई भी इस लिंक पे रिक्वेस्ट करेगा, ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, इस मशीन के लोकल होस्ट 5001 पे आएगी। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया इतने को URL को। सही है, और अब जब तक ये चल रहा है ना, जब तक ये एक्टिव है, और इसको मैं टेस्ट करता हूँ अब आगे, मैं थंडर क्लाइंट पे जाके ना इसको टेस्ट करता हूँ कि यार वाकई में ऐसा हो भी रहा है नहीं हो रहा। अच्छा, टेस्ट करने से पहले ना अपने वेबहुक में आके मैं क्या कर लेता हूँ, एक बना लेता हूँ हेलो। मैंने कहा app.get या पिंग बना लेता हूँ एक, सही है, एक स्लैश पिंग के ऊपर गेट रिक्वेस्ट करेगा कोई तो यहाँ से response.send में ये चला जाएगा कि भाई पिंग बैक। एक सिंपल सी यहाँ पे API बना दी मैंने कि अगर मैं ये हिट करता हूँ तो मुझे ये रिस्पॉन्स मिलेगा, और सेव का बटन दबा दिया। अब मैं जाता हूँ थंडर में, थंडर में मैंने ये API लिखी ये वाली, और स्लैश मैंने क्या लगाना है, पिंक।
और ये रिक्वेस्ट कौन सी होगी, गेट की। ठीक है, अब मैं इसको रिक्वेस्ट करके देखता हूँ। ठीक है, तो रिस्पांस में मुझे पिंग बैक मिल गया। ठीक है, यानी कि ये वाला यूआरएल जो है मेरे लोकल होस्ट को सही से पकड़ पा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे ना तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट का एक वो भी आ रहा होगा, सही है। एनजी रॉक मुझे बता भी रहे कि इस पर एक रिक्वेस्ट पकड़ ली है मैंने, एक रिक्वेस्ट आई थी और सही चली गई है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक, अच्छा यहाँ पे मैंने कॉन्सोल नहीं किया सर्वर पे तो वो दिख नहीं रहा। ठीक है, सर्वर पे भी कॉन्सोल लगा सकते हैं हम। देयर इज़ अ लाइब्रेरी कॉल्ड मॉर्गन, सही है, तो मॉर्गन हम लगा लेते हैं। मॉर्गन अच्छी लाइब्रेरी है। ठीक है, npm मॉर्गन क्या करता है, हर आने और जाने वाली रिक्वेस्ट को ना लॉक करता है। ऐसे करके ये लगता है भाई इंस्टॉल हो जाता है। तो कॉपी कर लिया मैंने इसको, आके मेरे सर्वर को रोक देता हूँ। मैं सर्वर को रोक के इसको मॉर्गन इंस्टॉल कर लेता हूँ और मॉर्गन इंस्टॉल करके उसके बाद मॉर्गन को अटैच भी कर देता हूँ। ये मॉर्गन रिक्वायर हो गया। रिक्वायर करने के बाद कैसे लगाता हूँ मैं मॉर्गन को, ऐसे ही लगता है ये app डॉट यूज और मॉर्गन टाइनी। अच्छा, टाइनी को मैं हटा के डेव कर देता हूँ। ठीक है, इसमें चार स्कीम है बनी हुई कि क्या क्या कॉन्सोल होना चाहिए। यहाँ पे दिखा रहा है ये चारों स्कीम कौन सी है। कस्टम भी कर सकते हैं कि भाई मॉर्गन में ना पहले मेथड हो, फिर यूआरएल हो, फिर स्टेटस हो, फिर रिस्पांस का लेंथ हो, फिर रिस्पांस टाइम हो, ऐसे कस्टम भी बना सकते हैं। ठीक है, चार स्कीम जो बनी हुई है पहले से वो ये वाली है। डेफ में ना वो ये चीज़ें कंसोल करेगा कि मेथड कौन सा था, यूआरएल कौन सा था, स्टेटस क्या था उसका। ये तीन चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो मेरा ख्याल है तीन काफ़ी है। शॉर्ट भी कर सकता हूँ जिसमें रिमोट एड्रेस, यूज़र का रिमोट यूज़र का एड्रेस, एक्स वाई जेड, ये चीज़ें बता रहा हूँ। टाइनी भी कर सकता हूँ जो बाई डिफ़ॉल्ट लगा हुआ था कि मैथड यूआरएल रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो मैंने फ़िलहाल डेव कर दिया उसको, मॉर्गन लगा लिया हमने। अच्छा, मॉर्गन का ये रिक्वायर वाला जो सिंटेक्स है ना, ये हमारे पास काम नहीं करता, तो उसको हमें इम्पोर्ट वाला बनाना पड़ेगा। क्या किया मैंने, सही है, लास्ट में सेमी कॉलन ज़रूरी तो नहीं है वैसे, लेकिन लगा दो बेहतर। अच्छा जी, चल गया मेरा ये कोड। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं डायलॉग फ्लो को ये बताऊंगा कि आपने रिक्वेस्ट कहाँ भेजनी है, ये एनजी रॉक वाला जो यूआरएल है ना उस पर भेजनी है। ठीक हो गया, और स्लैश वेबहुक पे भेजनी है। आ जाते हैं डायलॉग फ्लो में हम वापस। डायलॉग फ्लो में आने के बाद अब मुझे एक खास जगह पे जाना है, ये फुलफिलमेंट लिखा हुआ है, यहाँ जाना है। फुलफिलमेंट लिखने के में जाने के बाद यहाँ पे दो तरीके मौजूद हैं, एक है वेबहुक जो हमने बना लिया ऑलरेडी, एक है इनलाइन एडिटर। इनलाइन एडिटर इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ठीक है, इनलाइन एडिटर के अंदर ना ये क्लाउड फंक्शन पे उसको डिप्लॉय करता है, और क्लाउड फंक्शन में ना बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, क्लाउड फंक्शन जो वो शॉर्ट लिव्ड होता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाती हैं। फिर इसी तरह अगर प्रोमिसज़ वगैरह आप लगाते हैं तो वो प्रोमिसज़ काफ़ी देखभाल के लगाना होता है। अब ये सारे जो चीज़ें ना, ये नैनो सर्विस आर्किटेक्चर का पार्ट है, ये हम अभी यहाँ पे कवर नहीं कर रहे। ठीक है, वैसे फायरबेस फंक्शंस जो हैं या गूगल क्लाउड फंक्शंस जो हैं वो काफ़ी चीप हैं, सस्ते हैं, और लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक तो इनलाइन एडिटर पे ये देता है फ्री में। इनलाइन एडिटर में आपको इंटेलिजेंस नहीं मिलता, बहुत सारे मसले मसाइल इसके अंदर जो इनलाइन एडिटर में आपके वो हैं वो हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप इनलाइन एडिटर के अलावा इसको अलग से निकालने की कोशिश करते हैं तो ये पेड है। ठीक है, तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एक्सप्रेस का सर्वर जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे और ये वाला वेबहुक इनेबल करेंगे। ठीक है, ये जो ऊपर वेबहुक लिखा हुआ है, यूआरएल में आके मैं वो यूआरएल पेस्ट करूंगा जो मुझे इसने दिया है एनजी रॉक ने। अरे बच्चा, थंडर से भी लिखा था ना मैंने, कहाँ गया ये, थंडर पे लिखा था मैंने, यहाँ से उठा लिया। ये हो गया मेरा यूआरएल। अच्छा, स्लैश पिंग पे नहीं, किस पे भेजूंगा मैं, स्लैश वेबहुक पे भेजूंगा। हाँ, अच्छा, अगर तो मेरी एपीआई सिक्योर है तो यहाँ पे कोई टोकन शोकन अगर होता है कोई, तो मैं वो यहाँ लिख के भेजूंगा ना, तो वो हर एपीआई कॉल में साथ लेके जाएगा टोकन। लेकिन फ़िलहाल जो मेरी जो एपीआई है वो सिक्योर नहीं है, वो हर कोई कॉल कर सकता है उसको ना, बगैर किसी ऑथेंटिकेशन के डायरेक्ट हिट होती है। यार यहाँ पे जो भी लिखोगे ना तुम, एडमिन लिख दिया यहाँ पे और मैंने 2424 लिख दिया, ये हर दफ़ा रिक्वेस्ट के साथ जाएगा, हेडर में जाएगा उसके साथ में।
समटाइम ये होता है ना कि यार आपका वेबहुक है, अगर किसी और को मिल गया, उसने अपने डायलॉग फ्लो के साथ अटैच कर दिया, है ना, इस तरह वो नहीं कर सकता भाई। ये URL किसी को पता चल गया, उसने अपना डायलॉग फ्लो का एजेंट बनाया छोटा सा, उसमें अटैच करके आपकी सर्विस का मिसयूज़ कर रहा है, तो उससे बचने के लिए ये लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए क्योंकि हम अभी डेमो बना रहे हैं क्लास में, तो इसमें ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा ये कि नहीं भी लगाएं, मसला नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि आपका जो एजेंट है ना, उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है ये आपको पता है, सिर्फ किस नाम से पैरामीटर कलेक्ट करते हैं ये सिर्फ आपको पता है। तो अगर किसी को आपका ये वेबहुक का URL मिल भी जाता है और वो उसको अपने डायलॉग फ्लो के एजेंट के साथ नहीं लगा सकता, अल्टीन एनलेस कि उसको हर चीज़ का पता ना हो, ठीक है। अच्छा, हर चीज़ का पता कैसे होगा कि आपका कोई बंदा उसके साथ मिला, वो आपके अंदर के बंदे ने किसी ने ये आउट कर दिया, लीक कर दिया, और वो सारे पैरामीटर के नाम भी बता दिए, सब कुछ बता दिया, फिर वो मिसयूज़ हो सकता है। उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके इस पासवर्ड को आप चेंज कर देंगे तो ख़त्म, सर्वर पे पासवर्ड अपडेट कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा मसला। तो ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, इसका फंक्शनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। फिलहाल हम इसको नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, स्लैश वेबहुक करके मैंने क्या कर दिया, इसको सेव का बटन दबाना है। अब सेव का बटन यहाँ पे बिल्कुल नीचे है, यहाँ पर ठीक हो गया जी। अब ये मेरा वेबहुक जो है ना कनेक्ट हो गया है डायलॉग फ्लो के एजेंट के साथ। अच्छा, लेकिन अब मुझे डायलॉग फ्लो के एजेंट को अलग अलग बताना पड़ता है कि कौन सा इंटेंट मुझे सर्वर को भेजना है और कौन सा नहीं भेजना। तमाम इंटेंट को सर्वर पे मैं नहीं भेजूंगा, ठीक है। इसका ये लगाने का मतलब नहीं कि हर इंटेंट सर्वर पे जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरा वेलकम इंटेंट है, जो मेरे वेलकम इंटेंट का जवाब यही लिखा हुआ है, इसका सर्वर का कोई काम ही नहीं है। वेलकम इंटेंट पे सर्वर पे कुछ नहीं करवाना मैंने। अच्छा, लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें वेलकम इंटेंट भी सर्वर पे जाएगा। मिसाल के तौर पे मुझे बंदे को ग्रीटिंग देनी है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ऐसे, है ना, तो फिर तो मुझे लगाना पड़ेगा सर्वर पे। मैं यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगर इस रिक्वेस्ट को मुझे सर्वर पे भेजना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ नीचे ये देख रहा हूँ फुलफिलमेंट लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करूँगा, है ना, ये ड्रॉप डाउन है असल में, ये फुल बन होता है, तो ये ड्रॉप डाउन खोल के और मैं क्या करूँगा, ये पहला वाला जो पार्ट है ना, इनेबल वेबहुक कॉल फॉर दिस इंटेंट, इसको इनेबल करूँगा जस्ट, ये सेकंड वाले को नहीं करूँगा, ये एडवांस है थोड़ा, ठीक है। सेकंड वाले को करने से क्या होता है, वो हर दफ़ा जाता है पैरामीटर कलेक्ट करने के बाद ही जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक ये वाला है कि भाई तमाम पैरामीटर कलेक्ट करने के बाद जाता है। अच्छा, तो ये मैं इनेबल करके इसको सेव का बटन दबा दूँगा, तो अब क्या होगा, ये रिक्वेस्ट यहाँ से जब भी मैं हाई बोलूँगा तो वो रिक्वेस्ट सीधा मेरे सर्वर पे जाएगी और सर्वर से जाके वो रिस्पांस लाने की कोशिश करेगा। तो अभी अगर मैं हाई बोलता हूँ और सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है तो वहाँ से क्या जवाब आएगा, एल्स वाला आ जाएगा कि भाई सॉरी वेबहुक डोंट नो आंसर फॉर दिस इंटेंट, है ना, क्योंकि मैंने इफ़ करके एक इंटेंट को अलग हैंडल किया और एल्स अगर कोई भी दूसरा इंटेंट है तो मैं बोलता हूँ भाई मुझे नहीं पता, ठीक है, आ जाते हैं और मैं इसको बोलूँगा हाय एंटर, ठीक है, देखो बता दिया सॉरी वेबहुक डोंट नो आंसर ऑफ दिस इंटेंट, ठीक है। हालांकि यहाँ लिखा हुआ था ये आंसर है हाय डूइंग दिस ये, लेकिन ये नहीं बताया इसने, क्यों, क्योंकि अब वेबहुक कनेक्ट हो चुका है और वेबहुक से प्रॉपर एक आंसर आ रहा है इसके पास। अगर वेबहुक से प्रॉपर कोई आंसर नहीं आता, मिसाल के तौर पर मैं एल्स पे क्या करता है, इसको एल्स पे मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड में खाली भेज देता, खाली भेज देता हूँ मैं कुछ भी एक्स वाई जेड खाली भेज देता हूँ, या कोई नल एरर वगैरह कुछ भी हो जाता है, तो खाली भेजने की सूरत में क्योंकि सर्वर से इसको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला, तो अब क्या होगा, यहाँ से जब मैं इसको हाई बोलूँगा ना तो ये एज अ फॉल बैक ये वाले रिस्पांस में से कोई एक रिस्पांस लाएगा, है ना, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, ये कौन सा था, ये यहाँ से लेकर आया है, तो ये वाला फॉल बैक होता है। तो अब मैं आमतौर पर फिर क्या करूँगा, मैं इस पर आगे लिखूँगा समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन सर्वर, बस बाकी उड़ा दूंगा मैं इसमें से। सही है, समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन सर्वर। अब यहां पे आगे मैं हाई लिखूंगा ना तो ये समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा हुआ जाएगा, सही है, समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन सर्वर। तो ये फॉल बैक टेक्स्ट है, इसके आने का मतलब है कि सर्वर फेल हो गया,
ऑब्वियसली ये उस सूरत में बात हो रही है जब इनेबल हुआ हुआ है, अगर इनेबल नहीं है फिर तो यहीं से रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ मुझे। यहाँ पे आके वापस मैं वो लगा देता हूँ डोंट नो फॉर दिस आंसर। अभी हमें अब तो मैंने जैसा कि बताया था कि वेलकम इंटेंट में मैं उस सूरत में वेबहुक पे भेजूंगा जब मुझे क्या करना है, जब मुझे बंदे को गुड नाइट गुड मॉर्निंग करके ग्रीट करना है या कोई ऐसा डेटा देना है जो जिसका ताल्लुक मेरे डेटाबेस से या किसी एपीआई से। स्टैटिक आंसर नहीं है, हर दफ़ा स्टैटिक आंसर नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि थैंक यू फॉर कमिंग सेकेंड टाइम इन द सेम डे, है ना, कि भाई आज के दिन आप सेकेंड टाइम आए हो, थैंक यू सो मच। अगर ऐसे करके ग्रीट करना चाह रहा हूँ मैं तो फिर मैं स्टैटिक नहीं कर सकता, फिर तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा। अच्छा तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना एक तो इंटेंट नेम एक ये बनाया था मैंने, एक और इंटेंट नेम हम बना लेते हैं वेलकम इंटेंट का। ठीक है, ऐसे करके मैंने एक और बना लिया कि इफ ऑर्डर था ना ये, इसका क्या नाम था, डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट। मैंने कहा डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट अगर नाम हो ना इसका तो आप कैसे जवाब देना, आप ये जवाब देना के अच्छा जवाब तो यही होगा ऑब्वियसली रिस्पॉन्स डॉट सेंड में जो बात यहाँ लिखी हुई है, लेकिन ये जो जुमला कंस्ट्रक्ट होगा ना रिस्पॉन्स टेक्स्ट, इस जुमले के अंदर क्या होना चाहिए, इस जुमले के अंदर सुबह शाम का जिक्र होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें भी मैं सेकंड वाला टैक्स रखता हूँ कि देखता हूँ सेकंड वाला जवाब देता या नहीं देता, है ना, बदल बदल के देता या नहीं देता, नहीं देगा लेकिन ये। अच्छा तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा इफ इंटेंट का नाम इक्वल्स टू अगर डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट है, ठीक है, तो क्या करो आप ये रिस्पॉन्स भेजो। अच्छा एल्स इफ अगर इंटेंट का नाम न्यू ऑर्डर है तो आप ये वाला रिस्पॉन्स भेजो, एल्स अगर कुछ भी नहीं है दोनों में से तो फिर ये बोलो कि वेबहुक डोंट नो। मेक सेंस है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा अब ज़रा ये डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट में ना, अब ये मुझे पता कैसे चलेगा कि गुड मॉर्निंग हो रहा है गुड नाइट हो रहा है टाइम अच्छा अब एक सवाल है, एक सवाल ये है कि जो सर्वर का जो टाइम है वो तो ये अमेरिका में पड़ा हुआ है सर्वर, और बंदा जो बात कर रहा है वो कहाँ से बात कर रहा है, पाकिस्तान से बात कर रहा है फ़िलहाल के केस में, कभी ये अमेरिका से भी हो सकता है। अब हाँ आम तौर पे हम ये करते हैं इसके लिए, इस चीज़ को हैंडल करने के लिए कि जिस वेब एप्लीकेशन में ये चल रहा होता है ना उसका टाइम जोन उठा के भेजते हैं। अगर मुझे सिर्फ ये पता चल जाए ना कि इस बंदे का टाइम जोन क्या है तो मैं सर्वर का टाइम कन्वर्ट मार सकता हूँ, सर्वर का जो भी टाइम है ना मैं उसको कन्वर्ट मार सकता हूँ। तो आज और टाइम की एक लाइब्रेरी है, दैट इज़ कॉल्ड मोमेंट जे एस। मोमेंट जे एस हमने पढ़ा था पहले, इसी दिन के लिए पढ़ा था। मोमेंट जे एस का जितना काम है ना चैट बॉट में बहुत काम है। अच्छा इंस्टॉल कैसे होता है भाई, ये npm i और moment, ठीक है, क्योंकि टाइम का बहुत वो है, बंदा बोलेगा यार टुमोरो टुडे वाला भी बोलेगा अभी अभी, वो मैं कैसे कन्वर्जन मारूंगा कि टुडे का मतलब क्या है, वो तो मुझे टुडे बोलता हूँ मुझे इतना लंबा टाइम का स्ट्रिंग बना के दे देता है, तो मैं उसको कन्वर्ट करूँगा, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है ये मोमेंट जैसे। सही जी, मूवमेंट को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं मूवमेंट से टाइम जोन कैसे कन्वर्ट मारूं, मेरे केस में मुझे मैं फिक्स लगा देता हूं कि टाइम जोन है GMT प्लस 5, ये मुझे फिक्स अभी लगा रहा हूं मैं कि GMT प्लस 5 होगा बंदे का टाइम जोन। ठीक है ये आ गया ना टाइम जोन करके पूरा डॉक्यूमेंट है इनका।
अच्छा कैसे करके मुझे करना पड़ेगा? एक तो मैं डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा मोमेंट डॉट टी जी डॉट सेट डिफ़ॉल्ट और स्ट्रिंग दे दूँगा टाइम जोन का, जो भी स्ट्रिंग होता है ना, जो ISO स्ट्रिंग होता है, हर टाइम जोन का एक ISO नाम होता है, वो नाम दे दूँगा तो डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। लेकिन मुझे डिफ़ॉल्ट नहीं करना फौरी तौर पर, मुझे वक्ती तौर पर करना है, क्योंकि दुनिया के हर कोने से रिक्वेस्ट आ रही होगी ना, तो हर दफ़ा मैं टाइम जोन एक उसी रिक्वेस्ट का सेट करूँगा। तो उस वक्त को सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यार वो कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, ठीक है ये आ गया। अच्छा अब मैं यहाँ पे वेलकम में आ गया ना, मोमेंट जे एस के अंदर मैं टाइम कैसे गाइड करता हूँ, मैं टाइम इसमें ऐसे गाइड करता हूँ मोमेंट जे एस में, ऐसे मोमेंट लिखता हूँ मैं और ऐसे करके सेट करता हूँ तो मुझे टाइम गेट हो जाता है ना। अच्छा मैं अब क्या करूँगा, इसमें टी जेड लगाऊँगा ऐसे करके, और टी जेड करके ना इसमें स्ट्रिंग दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा टी जेड करके स्ट्रिंग क्या दूंगा मैं, आई एस ओ स्ट्रिंग। मैं ज़रा सर्च कर लेता हूँ कि आई एस ओ स्ट्रिंग जो है ना टाइम जोन का क्या है, यहाँ पर इन्होंने कहीं लिंक नहीं दिया हुआ कि जहाँ पर जाके ना मैं वो सर्च कर लूँ, अदरवाइज मुझे विकीपीडिया पे जाना पड़ेगा। ये रहा टाइम जोन आइडेंटिफायर, लिंक इन्होंने दिया हुआ है, सही है ये। अच्छा विकीपीडिया का ही लिस्ट दिया हुआ है, वेल डन। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और प्लस 05 सर्च करता हूँ, तो ये कौन सा बता रहा है, ये बहरहाल हमारा एशिया कराची है ना, एशिया / कराची, ठीक है ये हमारा टाइम जोन है, आइडेंटिफायर जो है ना हमारा वो ये है एशिया / कराची। अब इसमें से देख लेते हैं हम कि आइडेंटिफायर ही लिखा हुआ है ना इस पर, क्या लिखा हुआ है, ये रहा टीजी डेटाबेस नेम, ये नाम है इसका। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आके, एग्जैक्टली ऐसे करके लिखेंगे कि भाई मोमेंट डॉट टी जी और ऐसे करके पार्सिंग कर लेंगे इसकी, ये मैं सही कर रहा हूँ पता नहीं गलत कर रहा हूँ, अभी देखते हैं करके देखते हैं पता चलेगा। मैंने कहा कि मोमेंट डॉट टी जी और दिस दिस करके, और मैंने कहा कि फॉर्मेट, और फॉर्मेट में मैं क्या दे देता हूँ इसको कि भाई मुझे बता दो आप HH और MM और SS, सही है प्रॉपर ऐसे करके मुझे टाइम बता दो। और जो टेक्स्ट का रिस्पांस है ना उसके अंदर मैं अभी फ़िलहाल के लिए ना जस्ट यही लिख देता हूँ पूरी बात, कि जो भी यहाँ से आता है ना वही बात बता दे आप, वही बात मुझे बता देगी। कंसोल भी करा लेते हैं इसको कि इसने मुझे दिया गया है, मोस्ट प्रॉब्ली मैंने एक तुक्का लगाया है, असल में डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका बताया है, डॉक्यूमेंट में ना थोड़ा सा डिफरेंट है ये। अच्छा और इसको कंसोल करा देते हैं कि रिस्पांस के टेक्स्ट में ना यहाँ पे ये क्या है, वो कंसोल कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा देखने में मुझे, जहाँ पर मोंगो डी बी इज कनेक्टेड लिखा हुआ है। चलो अब आगे हाई बोलते हैं इसको, नहीं गलत कर दिया मैंने, कह रहे मोमेंट डॉट टी जी इज़ नॉट अ फंक्शन, असल में यहाँ पे इन्होंने मोमेंट जे एस में जो बताया था ना वो ये बोला था कि जो है ना टी जी ऐसे करके यहाँ पे आप टाइम दोगे और यहाँ पे आप बताओगे वो। अब ये टाइम का मसला ये है कि ये टाइम मैं कहाँ से लाऊँ, टाइम तो मुझे सिस्टम का गेट करना है, चलो सिस्टम का टाइम गेट करके यहाँ देने की कोशिश करते हैं। सिस्टम का टाइम कैसे गेट होगा, एशिया / कराची, जहाँ पे इसको टाइम देना है ना सिस्टम का, वहाँ पे मैं ये करता हूँ कि वहाँ पे मोमेंट पूरा लिख देता हूँ मैं ऐसे,
सही है, ऐसे मोमेंट लिखने से क्या होगा, सिस्टम का टाइम उठा के यहाँ पे रख देगा ये, है ना, ऐसे कर लेते हैं। कन्वर्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। जो भी मेरे सिस्टम का जो भी टाइम होगा ना, क्योंकि देखो सिस्टम में जब मैं टाइम गेट करता हूँ तो सिस्टम जहाँ सर्वर चल रहा होगा ना वहाँ के हिसाब से टाइम उठाता है ये। अभी मेरी मशीन में तो समझ नहीं आएगा, लेकिन जब ये होस्ट कर दोगे ना साइक्लिक वगैरह पे, अबे भी क्या हो गया उसको, चल जा भाई आज की ज़िंदगी में। मोमेंट डॉट टी जी इज़ नॉट अ फंक्शन, ऐसा क्यों, अब तो मैंने बिल्कुल सही लिखा, अब तो मैंने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट लिखा है यार। अच्छा, इसकी लाइब्रेरी अलग है, इसकी लाइब्रेरी अलग है, npm install moment dash time zone नाम है इसका। अच्छा, ये मोमेंट अलग है और मोमेंट टाइम जोन अलग है, ये दो अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। आ जाओ इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसको रिक्वायर कैसे करना है, ऐसे करके करना है, ठीक है। इसको भी हम ज़रा कन्वर्ट कर लेते हैं, सही है। अच्छा, इसको मैं मूवमेंट टी जी लगा देता हूँ इसके साथ, है ना, क्योंकि मूवमेंट के नाम से तो पहले से एक हुआ है। मैं टी जी इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि अच्छा ये वो वाला है, सही है। अब देखते हैं क्या रिपोर्ट है। अच्छा, मुझे याद पड़ रहा है कि मोंगो ये मूवमेंट के अंदर इटसेल्फ भी एक कुछ हुआ करता था ऐसा, वो भी अभी पता नहीं क्यों ये दूसरी लाइब्रेरी पे लेकर आया है। मोमेंट के अंदर इटसेल्फ भी कुछ हुआ करता था, वो टाइम जोन को चेंज वेंज करने वाला। अच्छा, ये देखा इसने क्या किया, ये मेन रिस्पांस और दिस इज अल्टरनेट रिस्पांस, दोनों को ज्वाइंट करके दे दिया यार, वाह लेवल। अच्छा, तो हुआ ये कुछ ऐसा हुआ कि मोमेंट डॉट टी जी करके मैंने करंट टाइम दिया उठा के इसको, ये करंट टाइम, और इसको दिया कि इसको इस टाइम जोन में कन्वर्ट करके फिर दो। तो ये पूरा का पूरा जो इसका रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ ना, वो रिजल्ट प्रोड्यूस जो इस तरह से हुआ कि ISO स्ट्रिंग में मुझे डेट मिली है, ISO स्ट्रिंग में मुझे डेट मिली है ना, लेकिन मुझे इसको ISO स्ट्रिंग में नहीं देखना, मुझे इसको देना है प्रॉपर फॉर्मेट में, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से कट करके मैं कह देता हूँ कि const current time equals to this। तो मुझे हमेशा ना, जब भी सर्वर पे मैं टाइम गेट करूँगा तो मुझे हमेशा इस तरह से करना है कि खास रीजन का मुझे टाइम उठाना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर तो ग्लोबल होता है, वो तो कहीं भी हो सकता है। एक रिक्वेस्ट मारेंगे अमेरिका में लगेगी, दूसरी कनाडा में लग सकती है, अगर दो पे दो सर्वर पे लोड बैलेंसिंग हुई भी है तो मैं कहूँगा कि करंट टाइम, और मैं कहूँगा मोमेंट, सही है। मोमेंट को अगर ऐसे खाली दे दो तो वो क्या करता है, सिस्टम का टाइम उठा लेता है, अगर यहाँ पे ऐसे कुछ टाइम पास कर दो तो वो उस टाइम को उठा लेता है। डॉट फॉर्मेट, सही है, HHMMSS, ये मैंने इसको बता दिया कि भाई ऐसे करके आप दो। अब देखते हैं हाई बोलने में ये प्रॉपर टाइम ला के देता है या नहीं देता, ठीक है। 9:54:51, तो मेरे पास बिल्कुल यही हो रहा है, 9:54। अच्छा, इमेजिन करो अब मेरा जो यूज़र था, अगर वो अमेरिका से हिट करता है तो ये अमेरिका वाला होगा उसके केस में, यानी जब वेब एप्लीकेशन पर ये डिप्लॉय हुआ हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ब्राउज़र का टाइम जोन उठाएंगे, ब्राउज़र से ये मिल जाता है कि टाइम जोन क्या है, ठीक है। ब्राउज़र से टाइम जोन गेट करने का कोड भी बता देता हूँ बल्कि क्या है, ब्राउज़र टाइम जोन जावास्क्रिप्ट, ये कोड है जिससे क्या होता है, टाइम जोन बंदे का पता चल जाता है। 1000 लोगों ने कहा है कि ये बात सही है, सही है।
फरवरी 2023 में इसने कुछ कुछ और अपडेट्स किए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो INTL करके डॉट टाइम फॉर्मेट डॉट रिजॉल्व ऑप्शन डॉट टाइम जोन, ऐसे करके मिलने से आपको क्या मिल जाता है, टाइम जोन मिल जाता है। गेट द सिस्टम INIA टाइम जोन, ये INA टाइम जोन क्या होता है, ये वही वाली लिस्ट है असल में TZ वाली। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट से आपको ये आइडेंटिफायर मिल जाता है बहुत ईजिली। अच्छा खैर, तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपका जो बंदा है वो इमेजिन करें कि कहाँ से आता है, अगर कनाडा से आता है, अब कनाडा में ना ये देखो इतने सारे टाइम जोन लगते हैं। ठीक है, -4 से शुरू है और -7 तक जा रहा है ये। अब अगर कोई कनाडा ईस्टर्न से अगर आपको रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, हाय बोलता है अगर, तो आपको यहाँ पे क्या होगा आपके केस में, फिर आपके केस में यहाँ पे ये होगा कनाडा ईस्टर्न होगा। ठीक है, कनाडा ईस्टर्न होगा। अब यहाँ पे आके हाय बोलूँगा ना मैं, तो ये टाइम कहाँ का बता रहा होगा, ये कनाडा का टाइम बता रहा होगा मुझे। ठीक है, 11:56:49, अभी AM PM मैंने लिखा नहीं है तो वो इसलिए नहीं आ रहा, सही है। अच्छा, अब ये हो गया, इसको मैंने टाइम में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे मैं फॉर्मेट करना चाहूँ, ये फॉर्मेट आप सबको पता है कि इस फॉर्मेट में क्या क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, इसी के ज़रिए मैं मूवमेंट से ये भी पता लगा सकता हूँ कि ये डे टाइम है या नाइट टाइम है। ठीक है, मूवमेंट ने इसका फंक्शन बना के रखा हुआ है। अच्छा, आप खुद से भी लॉजिक लगा सकते हैं, आप खुद से लॉजिक लगा सकते हैं, हाँ, कि 6 से लेके अगर इतने के दरमियान हो तो गुड मॉर्निंग बोलना है, फिर अगर 12 बज गए हैं तो 12 से लेके 3 तक गुड नून बोलना है, फिर 3 के बाद जो है गुड आफ्टरनून बोलना है, 3 से लेके 4:30 तक आफ्टरनून है, फिर 5 बजेंगे जैसे ही तो इवनिंग शुरू हो जाएगा, गुड इवनिंग, उसके बाद फिर गुड नाइट हो जाएगा। तो ये आपको पता है इसका एक जो बना हुआ है, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप आके लिखेंगे हम के गेट ग्रीटिंग मुझे उसका नाम वैसे भूल गया हूँ मैं क्या था, डिटरमाइन इफ द करंट टाइम इन आवर बिटवीन अ सर्टेन आवर, नॉट दिस वन। अच्छा, ये किसी ने खुद से ये बना के पूरा लॉजिक दिया हुआ है कि भाई आप ऐसे कर लो, लेकिन इसका एक खुद का भी फंक्शन होता है। अच्छा, कह रहा है फॉर्मेट में आप डबल H करके लगाओगे तो उससे हो जाता है ये, डबल H जरा चल के देख लेते हैं फॉर्मेट में डबल H का क्या मतलब होता है। डॉक्स डिस्प्ले फॉर्मेट, अरे भाई फॉर्मेट कहाँ चला गया, अभी तो यही था, डिस्प्ले फॉर्मेट और HH कह रहा था ना, कैपिटल में कर लो आप, नहीं इसमें तो नहीं है ये, हाँ ये तो 24 आवर वाला हो गया ना, टाइम जोन आ गया ये ZZ करके, और अच्छा वो शायद ये बताना चाह रहा था कि आप ये जब 24 आवर वाला कर लोगे तो इजी रहेगा ये, है ना, 24 आवर में, क्योंकि वो बीच में AM PM ख़त्म हो जाता है, तो आप बोलोगे कि यार अच्छा अगर 6 से कम कम है तो गुड नाइट बोलोगे आप, सुबह के 6 से कम कम है अगर, तो सुबह के 6 से लेके आप फिर इतने तक, फिर इतने तक, फिर वो 12 के बाद वो 1 नहीं आएगा दोबारा, 13-14 आएगा, तो वो लॉजिक लगाने में ईजी रहेगा वो। ठीक है, तो मे बी इसको रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, ये वाला काम आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप उसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। तो फिलहाल हम भी अपनी लॉजिक बना लेते हैं, हम क्या बोलेंगे इसको, हम फॉर्मेट में बताएंगे इसको कि HH कैपिटल HH, सही है, और हम इस कैपिटल H को क्या लगा लेंगे, कॉन्स्ट करंट आवर, कि भाई अभी करंट आवर कौन सा चल रहा है। ठीक है, और हम एक छोटा सा इफ लगा लेते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग बनाते हैं, दो बनाते हैं, आप उसको फिर मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। मैंने कहा भाई करंट आवर अगर जो है वो छोटा है 6 से, ठीक है, एंड अच्छा नहीं, एक तो 6 से छोटा है तो पूरा एक तरफ हो गया, तो इसमें ये हो जाएगा गुड नाइट,
सही है, गुड नाइट हो गया, ये ग्रीटिंग भी एक बना लेते हैं यहाँ पे कि ग्रीटिंग ये होनी चाहिए। ठीक है, ग्रीटिंग फिलहाल एम्प्टी स्ट्रिंग है, मैं बोलूँगा भाई ग्रीटिंग इक्वल्स टू गुड नाइट, कि अगर ये 6 से कम कम है तो उसका मतलब है गुड नाइट। एल्स इफ, अगर करंट आवर जो है वो क्या है, बड़ा है अगर 6 से एंड करंट आवर छोटा है किससे, हमें गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग बनाना है, नाइट भी खुद ही बन गया है वैसे, तो 12 से अगर छोटा है यानी 11 तक अगर है तो हम बोलेंगे कि ग्रीटिंग इक्वल्स टू गुड मॉर्निंग। सही है, गुड मॉर्निंग कर दिया हमने। एल्स इफ, करंट आवर अगर बड़ा है 12 से एंड करंट आवर अगर, अच्छा अगर 12 से बड़ा है तो हम बोलते हैं इवनिंग है, है ना, 12 से बड़ा जितना भी हम बोलते हैं इवनिंग है, बस हम अभी शॉर्ट रख रहे हैं इस लॉजिक को, जाहिर है वो आप फिर उसको मज़ीद जितना सोफिस्टिकेटेड बनाना चाहें बना सकते हैं। गुड इवनिंग, तो अभी हमारे केस में क्योंकि 10 बज रहे हैं तो ये 12 से बड़ा है तो गुड इवनिंग बोलेगा, है ना, अच्छा गुड इवनिंग बोलेगा। या एक काम इसमें हम एक एल्स इफ और भी लगा सकते हैं गुड नाइट वाला, वेल अभी इसको गुड इवनिंग, हम हमारे केस में गुड इवनिंग बोलना चाहिए उसको। सही है जी, अच्छा और हम ये ग्रीटिंग जो मुझे पता चल गई है अब लॉजिक लगा के टाइम के ऊपर कि अच्छा यार ये टाइम हो रहा है तो ये ग्रीटिंग होनी चाहिए, तो अब मैं अपना टेक्स्ट का जो रिस्पॉन्स है ना मैं क्या बनाऊँगा, ये बनाऊँगा हाय, बल्कि डायरेक्ट ग्रीटिंग दूंगा ना मैं उसको, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, सही है, और वेलकम टू एबीसी पिज़्ज़ा स्टोर, हाउ कैन आई हेल्प यू, सही है। ऐसे करके मैंने क्या बना दिया, एक टेक्स्ट रिस्पॉन्स बना दिया, और वो टेक्स्ट रिस्पॉन्स अब मैं इसको यूज़र को भेज दूंगा, आगे चेक करते हैं कि अब वो प्रॉपरली उसको बोल रहा है या नहीं बोल रहा हाय। अच्छा टाइम जोन मैंने अभी कनाडा का सेट किया हुआ था तो ये कनाडा के हिसाब से बताएगा, कनाडा के हिसाब से अभी इसने क्या बोलना है, ग्रीटिंग आया है, ये क्या हुआ है, ग्रीटिंग क्यों नहीं आया, ग्रीटिंग को ज़रा कॉन्सोल करा के देख लेते हैं कि हुआ क्या। अच्छा मेरा ख्याल है ये करंट आवर जो इसने दिया है ना ये स्ट्रिंग में दिया है शायद, हाँ ये स्ट्रिंग में दिया इसने, स्ट्रिंग में दिया है तो इसके साथ ना मुझे प्लस लगाना पड़ेगा ऐसे ताकि उसको वो नंबर में कन्वर्ट कर ले, अभी भी नहीं आया। अच्छा तो यार इस करंट आवर को ना ज़रा कॉन्सोल करा लेते हैं कि इसमें मिला क्या है, करंट आवर में 12 मिला है तो 12 में क्या ये मैच नहीं हो रहा किसी में, यस हाँ ना यार ये ऐसा टाइम हो रहा है कि वो ये इसमें भी नहीं आ रहा और इसमें भी नहीं आ रहा, हाँ इक्वल्स टू यहाँ लगेगा के, अच्छा नहीं ये तो फिर गुड नून बना देते हैं ना, चलो थोड़ा यार थोड़ी सी मेहनत कर ही लेते हैं इसमें। मैंने कहा भाई कि करंट आवर अगर बड़ा हुआ 6 से ठीक है और ये छोटा हो, यहाँ पे भी मसला है, यहाँ पे भी इक्वल्स है, हाँ यहाँ पे भी मसला है, ये हमें ना प्रॉपर वो लगाना पड़ेगा जो लाइन खींच के हम बनाते थे ना शुरू में जो इफ एल्स लगाते हुए, वो प्रॉपर उस तरह लगेगा, ये सेकंड वाला वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, सेकंड वाले की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सेकंड वाले की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे कि भाई अगर यहाँ पे छोटा हो 6 से, या तो हमें छोटे से शुरू करना पड़ता है या तो बड़े से शुरू करना पड़ता है ना, कैसे लगाते थे यार वो मैं भूल गया, पेंट खोलते हैं ना ऐसे हम लगाते थे कि भाई ये 0 से शुरू होगा और यहाँ पे फिर ये 1-6 होगा सुबह का, सही है, फिर हमारा 12 है दूसरा, फिर हमारा दूसरा है 5 है, चलो
और उसके बाद है 8 बजे जो रात हो जाती है ना, तो हम ऐसे करके लगाएंगे, 0 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर 6 से छोटा है, सबसे पहले तो हम ये करेंगे, तो ये पूरा इतना आ जाएगा उसमें, तो हम लगाएंगे कि छोटा है 6 से। अच्छा, उसके बाद हम बोलेंगे कि अगर 12 से छोटा है, तो 12 से छोटा में ये इतना पूरा पार्ट आ जाएगा, लेकिन असल में पूरा नहीं आएगा, वो असल में इतना आएगा, क्योंकि अगर ये होता तो पहले ही ऊपर हिट हो जाता, ठीक है। तो अब मैं बोलेंगे छोटा है अगर 12 से, ऐसे करके लगाऊंगा मैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, नहीं इक्वल टू की ज़रूरत नहीं है, मुझे स्केल करके लगा रहा हूँ ना, जैसे हमने शुरू में सीखा था। उसके बाद मैं डायरेक्ट लगाऊंगा 5, उससे मुझे इतना मिल जाएगा, अगर छोटा है 5 से। ओ सॉरी, 5 नहीं, 18 आएगा ना, ये 18 आएगा, 12 5 17 होता है, बल्कि 17 आएगा, ठीक है। गुड नून हो गया। और मैं अगर एल्स में, अब जो भी जिस बड़ा बाकी का जो होगा वो पूरा एल्स में आ जाएगा, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि गुड नाइट, एक मिनट, इस वाले पार्ट में क्या था, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग था, गुड मॉर्निंग हो गया। अच्छा, इस वाले पार्ट में क्या है, गुड नून है, हाँ, तो यहाँ पे गुड नून आ गया, इवनिंग मिस हो गया हमारा। नहीं यार, इस पार्ट पे ना गुड नून और गुड इवनिंग दोनों है, 12 से लेके 12 बजे से मैं बोलना शुरू करूँ ना गुड नून, यहाँ पे असल में एक बाउंड्री और बनेगी 3 बजे वाली, तो ये वाला पार्ट जो है मेरा वो गुड आफ्टरनून है। नून असल में एग्जैक्टली 12 बजे होता है, 12 के बाद आफ्टरनून हो जाता है, तो खैर हम नून को हटा देते हैं, हम आफ्टरनून और इवनिंग, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे 3 एक और आएगा 12 के बाद ना, एक यहाँ पे आएगा 15 में बोलूँगा कि गुड आफ्टरनून, सही है, फिर मैं बोलूँगा गुड इवनिंग, सही है, और फिर मैं बोलूँगा गुड नाइट। आई होप कि हमने अभी मेहनत कर ली है काफ़ी इसके ऊपर। अच्छा, अब मैं इसको आके हाय बोलता हूँ, तो 12 बजे वाला पकड़ना चाहिए इसको, ठीक है, गुड आफ्टरनून इसने सही पकड़ लिया। अच्छा, ये गुड आफ्टरनून इसने इसलिए सही पकड़ा क्योंकि 12 बज रहे हैं कहाँ पर इस वक्त, कनाडा के अंदर, कनाडा का जो टाइम जोन मैंने लगाया था। अच्छा, अगर मैं इसको वापस कर दूँ हमारा वाला एशिया कराची, तो हमारे पास अभी बज रहे हैं 10, तो 10 वाला जो केस है मेरा वो किस में आ जाएगा, किस में फॉल कर रहा होगा, वो यहाँ फॉल कर रहा होगा, तो वो गुड नाइट बता रहा होगा मुझे, ठीक है, हाय, तो इसने मुझे गुड नाइट बताना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये कंडीशनल अगर मुझे चीज़ चाहिए होगी वेबहुक में, तो फिर मुझे वेलकम वाले को भी सर्वर पे भेजना पड़ेगा। अच्छा, ये वो चीज़ है लॉजिक के जावास्क्रिप्ट की, आप पूरा 6 महीना हो गया आपको ये पढ़ते हुए, ठीक है, आप सोच रहे थे ना कि यार ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, वेब डेवलपमेंट पूरी क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो असल में इस वजह से पढ़ रहे हैं। अब देखो, सिर्फ एक हाय का जवाब देने में ना ये लॉजिक सारी लगी हुई है, सही है। तो मुश्किल काम के पैसे हैं भाई, जो काम जितना मुश्किल उतने ज़्यादा पैसे हैं। अच्छा, इतनी सोफिस्टिकेशन ना चैट जीपीटी में आप नहीं कर सकते। चैट जीपीटी जो जनरल है एज़ कम्पेयर टू दिस, वो जनरल है काफ़ी ना। अच्छा, ये कर सकते हैं हम कि हम ये इतना जो लॉजिक हमने लगाई है ना बीच में, मैं ये दूँ बीच में यहाँ पे API कॉल कर दूँ चैट जीपीटी की, मैं बोलूँ कि यार ये आवर ये हो रहा है और बताओ ये मॉर्निंग है इवनिंग है या क्या है, तो वो बता देगा इवनिंग है। बट ये शायद अच्छा डिसीजन नहीं है। अच्छा डिसीजन इसलिए नहीं है कि 4 लाइन का कोड चलेगा ना बगैर पैसे के, फ्री में चलेगा, एग्जीक्यूशन होगी, एग्जीक्यूशन जल्दी भी होगी, API कॉल में टाइम ज़्यादा लगेगा, फ्री में भी होगी, फ्री का मतलब है कि जो ऑलरेडी मैं सर्वर की कॉस्ट पे कर रहा हूँ उसी में होगा। तो इसके लिए ना बेहतर ये है कि मैं एक दफ़ा उससे कोड मांग लूँ कि गुड नून गुड आफ्टरनून निकलता कैसे, उसका कोड बता दो, है ना, आ जाओ कोड बनाते हैं, उससे निकलवाते हैं कोड, वैसे तो हमने लिख लिया है लेकिन देखते हैं वो क्या लिख के देता है। अब देखो, ये हमारा जो टाइम ख़राब हुआ ना, पिछला 15 मिनट जो ख़राब हुआ है हमारा, ये बचा सकता था ये। आ जाओ, अफसोस तो ज़रा कर लेना। वो एक बंदा होता है ना, आता है वो टैक्सी वाले से पूछता है यार फला जगह जाना है मेरे को, कितने पैसे लोगे, तो वो कहता है यार 100 रुपये लूँगा, तो कहता है ठीक है और चला जाता है। कहता है यार क्या हो गया भाई, कम कराओ कुछ कराओ, तुम तो जा रहे हो सीधा,
वो कहता है मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं पैदल जाऊंगा तो मैं कितने पैसे बचा लूंगा, इसलिए पूछ रहा था तो हम भी ज़रा देख लें कि अगर हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो क्या हम ये काम कर पाते। गिव मी जावास्क्रिप्ट कोड फॉर डिटेक्टिंग इफ इट इज गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून। ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए ना, ये लिखनी पड़ेंगी वरना इसको समझ नहीं आएगा। सही है, गुड इवनिंग और गुड नाइट है ना। ये लो मेरा भाई, ऐश करो ऐश। तो हमने 15 मिनट जो अपने ज़ाया किए हैं वो ये बचा सकता था। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा बना देगा, ये पूरा थोड़ी बना सकता है ये, है ना। लेकिन इसने ये देखो मुझे जवाब दे दिया। अब मैं अपना कोड हटा के इसको कोड को लगा दूँ, लगा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं साथ इसके मैं ऐड करूँगा कि विथ मोमेंट जे एस लाइब्रेरी गिव मी जावा स्क्रिप्ट कोड टू डिटेक्ट यूजिंग मोमेंट जे एस। चलो भाई देखो अब मेरा जादू। दे दिया, हार्ड कोडेड नहीं है भाई। इसने लगाया इफ करंट टाइम इज बिटवीन 5 से लेके 12 तक, अगर ये है तो मॉर्निंग होगा, ये मॉर्निंग में जो भी बात लिखी हुई है ना, गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो इसने तो कंसोल किया ना, हमें कंसोल नहीं करना, हमें उसको एक वेरिएबल में सेट कराना है। यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना, डेवलपर रिप्लेस नहीं होगा, काम फास्ट हो जाता है, ठीक है। अब मुझे ये कोड मिल गया ना बेसिक, अब इसको मैं जस्ट क्राफ्टिंग करूँगा इसको, ये ढूंढने में टाइम नहीं लगाऊंगा कि निकलता कैसे, समझ लो ये टाइम बचा। फिर दूसरा टाइम जोन कन्वर्जन इसने इसमें नहीं किया हुआ, ठीक है। अब वो भी मैं ऐड करूँ जुमले में कि टाइम जोन कन्वर्ट भी करो, बट वो मैं अलग से पूछ के अलग से कन्वर्जन लगा दूंगा। तो सारी चीज़ों को मिला के एक ऐप तैयार करूँगा, मेरा काम फास्ट हो गया इससे, ठीक है। तो इसको फिलहाल रहने देते हैं, हमने जो कोड लिखा है अभी फिलहाल ये वो गुड इनफ है, ठीक है। अच्छा, वो भी टाइम जोन कन्वर्जन में भी हमने टाइम ख़राब किया था अच्छा खासा। आ जाते हैं, हाउ टू कन्वर्ट टाइम इंटू अ सर्टेन टाइम जोन यूजिंग, नहीं पुराना हो नया हो भले चलता वो कोड होगा ना, लेकिन वो ये जैसे सही कह रहे हो रिक्वायर वाला कोड लाया है ये, तो ये डॉक्यूमेंटेशन में लिखा भाई रिक्वायर वाला है, ये 6 में देखते हैं बोल के। अच्छा देखो इसने भी लाइब्रेरी वही इस्तेमाल की है, मोमेंट टाइम जोन बिल्कुल वही किया इसने, करंट टाइम के ऊपर डॉट टाइम जोन लगाया है, हमने भी यही किया। हमारा टाइम बच सकता था अगर हम इसको यूज, अब हम इसको यूज़ किया करेंगे, सही है, क्योंकि लंबे लंबे कोड लिखने पड़ रहे हैं ना यार, टाइम बचेगा थोड़ा। अच्छा ये दोस्त हमारे कह रहे थे कि इसको ES6 में बोलूँगा तो ES6 में ला के देगा, अच्छा कन्वर्ट दिस कोड इनटू ES6। अबे ये कौन सा कर दिया इसने, नहीं मैं इस वाले को बोलता हूँ ना, सही है। मैंने साथ में ऐड कर दिया कि गिव मी कोड इन ES6 स्टॉप जनरेटिंग। हाँ यार इम्पोर्ट लिया है, ES6 में लेकर आ रहा है ना, टाइम बहुत बचा देगा ये। अब नहीं वो हमने भी 3 लाइन में नहीं, हमने 2 लाइन में लिखा है, एक इम्पोर्ट की लाइन है, एक करंट टाइम गेट करने की लाइन है और एक कन्वर्ट करने की। सही है, वही काम इसने वही किया है, हमारा वाला ही किया,
ठीक है, करंट टाइम डॉट टी जेड दिस दिस दिस। अच्छा तो वेल, हमने ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाला मंजन इसको भेज दिया। अच्छा अब हम अगले पे आ जाते हैं, ये ऑर्डर वाला जो हमारा इंटेंट था इसके ऊपर आ जाते हैं। इस ऑर्डर वाले इंटेंट के ऊपर हमने जो तीन पैरामीटर मिले थे हमें, वो हमने यहाँ पे कॉन्सोल करवाए गए, ठीक है। और कॉन्सोल करवाने के बाद, अच्छा ये हमें जो ला के दे रहे हैं ना रिस्पॉन्स, ये देख रहे हो, ये दो जो हमने दिया था ना दोनों को, दिस अल्टरनेट रिस्पॉन्स फ्रॉम, इसको जोड़ के ला के दे रहा है। अच्छा इसको ना इंस्पेक्ट भी अगर हम करेंगे तो अब देखते हैं ज़रा क्या है। डायग्नोस्टिक इन्फो पे क्लिक करूँगा ना मैं, तो ये मुझे बताता है कि सर्वर को मैंने क्या भेजा था और सर्वर से मुझे क्या मिला है, ठीक है। ये रॉ एपीआई है, फुलफिलमेंट रिक्वेस्ट, फुलफिलमेंट पे मुझे ये रिक्वेस्ट मिली थी मेरे सर्वर पे ना, ये भेजा था इसने, बता रहा है मुझे ये, ठीक है। फुलफिलमेंट मैसेज जो यहाँ लिखा हुआ था वो गया, और क्वेरी टेक्स्ट गया हाय। क्वेरी टेक्स्ट भी अगर डिटेक्ट करना हो ना मुझे कि एग्जैक्टली यूज़र ने क्या बोला, तो वो मैं यहाँ से डिटेक्ट कर सकता हूँ सर्वर के ऊपर, सही है। पैरामीटर कुछ भी नहीं थे, फुलफिलमेंट ने रिस्पॉन्स क्या करा है, वो ये करा है रिस्पॉन्स, ठीक है। देखो रिस्पॉन्स मिला है इसको, सही है, ऐसे करके और कॉमा डाल के ये मिला है इसको, कॉमा सही मिला है, यहाँ पे बता रहा है कि सही मिला है बिल्कुल, लेकिन जो डिस्प्ले कर रहा है ना उसको वो गलत तरीके से कर रहा है, दोनों रिस्पॉन्स एक साथ दिखा रहा है, सही है। फुलफिलमेंट स्टेटस जो है वो सक्सेसफुल था। अच्छा इसके लिए हम क्या करते हैं वो भी ज़रा देख लो जल्दी से। इसके लिए मैं बनाता हूँ एक फंक्शन जिसका नाम मैं रखता हूँ पलक, जिसका नाम मैं क्या रखता हूँ पलक, पलक का मतलब होता है फूल तोड़ना। पलक का जो फंक्शन है ना चैट जीपीटी से बनवाते हैं, सही है, पलक फंक्शन। कौन सा बना दिया इसने, यार इतनी देर में मैं बना ही लूँगा, छोड़ो। अच्छा तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना कॉन्स्ट करके एक फंक्शन बनाता हूँ, प्लक इक्वल्स टू ये एरो फंक्शन मैंने कर दिया। अब इस एरो फंक्शन में से क्या करूँगा मैं, एक एरे इसमें मुझे मिला करेगा, सही है। और मैंने यहाँ पे क्या करना है, इस एरे की जो लेंथ है ज़ीरो से लेके इस एरे की जो जो इंडेक्स है, यानी मिसाल के तौर पर अगर तीन थे आइटम इस एरे में, तो ज़ीरो से लेके थ्री तक का एक नंबर जनरेट करूँगा मैं, ज़ीरो से लेके टू तक का एक्चुअली एक नंबर जनरेट करूँगा मैं, और वो नंबर उठा के मैं रिटर्न मार दूँगा, है ना। अच्छा तो यहाँ से मैं करूँगा कि रिटर्न नहीं क्या करूँगा मैं, एक कॉन्स्ट स्टार्ट इक्वल ज़ीरो और कॉन्स्ट एंड इक्वल्स टू ए आर आर लेंथ माइनस वन, ठीक है। ए आर आर की लेंथ माइनस वन जो है वो इसका आखिरी इंडेक्स होगा। अब इनके दरमियान का मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करूँगा, ठीक है। तो गिव मी जे एस कोड टू जनरेट रैंडम नंबर 0 to 100, आ जाओ भाई। ये वो फंक्शन है जो है तो आसान, लेकिन समटाइम्स छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है इस फंक्शन में ना। अबे चल भाई, इतना मुश्किल काम थोड़ी दे दिया मैंने। ठीक है, ये रैंडम नंबर एक लाइन का बना के दे दिया इसने। मैंने कहा रैंडम नंबर इक्वल्स टू ये 101। अरे हाँ, तो मैं इसको ये ए आर आर डॉट लेंथ दे दूंगा ना जस्ट, क्योंकि वो एक ज़्यादा किया हुआ है उसने। अब इसको मैं लिखता हूँ कोई दूसरा वो ना, मैं बोलता हूँ इसको 26 से लेके जो है ना वो वहाँ, सॉरी मैंने दोबारा वही पेस्ट कर दिया। मैं कहता हूँ इसको 26 से लेके जो है ना, और जो है वो 89 तक दे दो इनक्लूसिव। थोड़ा इसको प्रेशर डालते हैं इसके ऊपर, ये ले आया भाई। इसको गिवन रेंज, गिव मी जेएस फंक्शन टू जनरेट रैंडम नंबर
गिवन रेंज, अब ये मिन मैक्स करके लेगा और मिन मैक्स करके निकाल के देगा। ले लिया भाई इसने मिन मैक्स, अरे रुक जा बस, सही है। तो ये मिन मैक्स करके इसने दिया है, ये ज़्यादा बेहतर है शायद। मैं ये वाला बीच वाला कोड उठाऊँगा, इसका कट करूँगा, इधर इधर रखूँगा, और ये मेरा जो स्टार्ट और एंड है ना, ये इसको बोलूँगा मैं मिन, और इसको मैं दे दूँगा मैक्स। सही है, तो बस मिन मैक्स इसको पता चल गया। एक रैंडम नंबर जनरेट करूँगा मैं मिन से लेके मैक्स तक, यानी ज़ीरो से लेके और ARR की जो भी लेंथ थी वहाँ तक, और रिटर्न कर दूँगा मैं ARR का वो वाला इंडेक्स, रैंडम नंबर वाला इंडेक्स। अच्छा, इस प्लग का वेटेड फंक्शन भी एक हम बनाते हैं, राइट? अभी तो ये ना कि बिल्कुल रैंडम है, कि चार रिप्लाई दिए रैंडम, बिल्कुल चारों रिप्लाई। सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है, अभी वो फंक्शन हम बना नहीं रहे, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ, सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है कि पहली दफ़ा ना एक सर्टन लाइन हमें हर हाल में यही बतानी है, पहली दफ़ा में नहीं रैंडमाइज करना है, एक फिक्स लाइन बतानी है। अगली दफ़ा जब वो पूछे ना उसी सेम चीज़ को, तब मुझे रैंडमाइज करना होता है, लेकिन वो फिलहाल अभी उसका क्या यूज़ केस होगा वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो आगे की कहानी है अभी। तो ये मैंने प्लक के नाम से एक फंक्शन बना लिया। अच्छा, प्लक में क्या देता हूँ मैं, एरे देता हूँ सीधा सीधा उठा के, वो एरे में से एक उठा के वापस भेज देता है। अब देखो इस प्लक को मैं इस्तेमाल कैसे करता हूँ, नीचे प्लग को मैं इस्तेमाल ऐसे करूँगा कि यहाँ पे जो ये मैं एरे दे रहा हूँ ना, ये वाला, ये इस जगह पे मैं ये वाला नहीं दूंगा, बल्कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एरे टेक्स्ट मेरा रिस्पॉन्स बनाऊँगा ऐसे करके, ठीक है। इसका नाम मैं टेक्स्ट नहीं रखूँगा, मैं इसका नाम रखूँगा रिस्पॉन्स प्लग, सही है, प्लग के अंदर एरे, और एरे के अंदर ये पहला रिस्पॉन्स कट, ये पहला रिस्पॉन्स हो गया, सही है, ये पहला रिस्पॉन्स कॉमा, दूसरा रिस्पॉन्स, सही है, कॉमा, थर्ड रिस्पॉन्स। तो ये तीन रिस्पॉन्सेज मैंने दे दिए इसको, कैसे दिया ज़रा गौर से देखो। प्लग का फंक्शन डायरेक्ट कॉल किया है, डायरेक्ट उसको एरे दिया है यहाँ पर से। अब ये एरे प्लग के फंक्शन को मिलेगा, प्लग इसमें से तीनों में से रैंडमली एक निकाल के इधर फेंक देगा, तो अल्टीमेटली मुझे इसमें एक रिस्पॉन्स मिलेगा जो इन तीनों में से कोई एक होगा, रैंडमली बिल्कुल रैंडम होगा, और वो रिस्पॉन्स टेक्स्ट यहाँ पर कंसोल भी हो गया, यहाँ पर मैंने भेज भी दिया उसको, दैट्स इट, ठीक है। तो हम ये एक तरीका इख्तियार करते हैं जिस जैसे हम रैंडम उसको करके प्रॉपर दें। अब क्या होगा जब मैं यहाँ पे से आके हाई बोलूँगा ना, तो सम टाइम मुझे वो पहला वाला ला के देगा, ठीक है, दिस इज़ अल्टरनेट रिस्पॉन्स। अगेन हाई बोलूँगा तो कोई दूसरा ला के देगा, गुड नाइट बोल दिया इसने, अगेन हाई बोलूँगा तो तीसरा ला के देगा, अच्छा पहला वाला ही लाया है, ठीक, क्योंकि बिल्कुल रैंडम है इस बार। दिस इज़ थर्ड, थर्ड रिस्पॉन्स अभी तक नहीं बोला इसने, दिस इज़ थर्ड रिस्पॉन्स वाला, वो भी आ गया, तो अब ये रैंडम हो गया बिल्कुल, ठीक है। इसमें वेटेड फंक्शन भी बनेगा अगेन, क्योंकि हमें इतना रैंडमाइज हमेशा नहीं करना होता, क्योंकि भाई वेलकम पे एक ही वेलकम होगा, ठीक है, वेलकम में वेरिएशन नहीं होगी। पहली दफ़ा में अगर वेलकम बोला है बंदे ने, अच्छा ये भी हम चीज़ डिटेक्ट कैसे करते हैं कि ये पहली दफ़ा बोल रहा है वेलकम, ये क्या बोल रहा है, ये भी हम ब्राउज़र से कुछ चीज़ें उठा उठा के भेज रहे होते हैं, जिससे हम ये डिटेक्ट करते हैं कि पहली दफ़ा बोल रहा है या बार बार बोल रहा है या क्या कर रहा है। सही है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप सोच सकते हैं ना, वो सब हो सकता है, लेकिन वो करना कैसे है, वो डायलॉग फ्लो के टूल्स के अंदर रहते हुए ना हमें उसको, इस चीज़ को समझना है कि वो चीज़ें होंगी कैसे। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या काम कर लिया है, अभी तक हमने ये काम कर लिया है कि डायलॉग फ्लो में इंटेंट बना लिए हैं, तैयार कर लिए हैं, और इंटेंट बनाने के बाद जब इंटेंट से कोई बात होती है, तो उस बजाय डायरेक्ट वहाँ पर हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स करने के, मैं फुलफिलमेंट पे जाता हूँ, यानी कि नॉट जे एस के सर्वर पे जाता हूँ और वहाँ से रिस्पॉन्स लाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, नॉट जे एस के सर्वर पे जब मैं आता हूँ, तो वहाँ पे इंटेंट के नाम से मैं समझता हूँ कि ये इंटेंट कौन सा है। अच्छा, कुछ अरसे पहले तक ना ये काम किससे किया जाता था, ये काम इससे किया जाता था, एक्शन पैरामीटर्स से, लेकिन अभी इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में भी ऑफिशियल ये बता दिया है कि भाई नाम से करो, और वैसे भी मेरा भी यही ख्याल है कि नाम से करना ज़्यादा बेहतर है, ताकि देख के पता तो चले, एक्शन पैरामीटर देख के पता नहीं चलता, मुश्किल होती है थोड़ी इसमें,
तो नाम से अब ये होता है वो एक्शन पैरामीटर भी मौजूद है, उससे करना चाहें उससे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो हमने एक इंटेंट का रिस्पॉन्स डायलॉग फ्लो का फुलफिलमेंट से भेजा, और ना सिर्फ फुलफिलमेंट से हमने रिस्पॉन्स भेजा बल्कि फुलफिलमेंट पे जो रिस्पॉन्स भेज रहे थे उसको कंडीशनल भी बनाया डिपेंडिंग ऑन करंट टाइम और उस बंदे का टाइम जोन जिस बंदे ने मैसेज किया ये वाला, ठीक है, उस बंदे के टाइम जोन के अकॉर्डिंग उसको हमने क्राफ्ट किया, फैब्रिकेट किया उस रिस्पॉन्स को और बना के भेजा। अच्छा, ये डेटाबेस पे भी डिपेंडेंट हो सकता था कि भाई डेटाबेस में अभी क्या वैल्यू है इस वक्त। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने पूछा कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ माय ऑर्डर, तो अगला सवाल क्या पूछूंगा मैं उससे, ऑर्डर आईडी या ऑर्डर नंबर अगर कोई है तो, अदरवाइज अगर तो बंदा का ईमेल पता है मुझे, जो कि ब्राउजर से रिक्वेस्ट आ रही है तो ईमेल पता है मुझे, तो मैं क्या करूँगा उस ईमेल से डायरेक्ट डेटाबेस में क्वेरी मारूंगा और जो रीसेंट जो भी लगा हुआ है उस ईमेल से ऑर्डर उसका स्टेटस देख के बता दूंगा, या जितने भी ऑर्डर लगे हुए हैं उससे उन तमाम को उठाऊंगा और उनमें से जो जो अभी इन प्रोग्रेस अगर है तो वो मैं बता दूंगा कि भाई दो ऑर्डर हैं आपके इस नाम से और दोनों इन प्रोग्रेस हैं। अब इसका जुमला कंस्ट्रक्ट करना इज अ थिंग, ठीक है, कि भाई अगर आज की कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है हमारा डिपेंडिंग ऑन कि हम बना के आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर पिज़्ज़ा ऑर्डर के केस में हम क्या करेंगे कि जो रीसेंट आज के दिन के ऑर्डर हैं पूरे उस ईमेल से जो जो लगे हैं वो सारे उठा लूँगा मैं, तो एक या दो या तीन आ जाएगा, तो फिर उससे उसको मैं तीनों का स्टेटस चेक करूँगा, उसको मैं लूप चलाऊँगा उन दोनों ऑर्डर्स पर और उससे जुमला कंस्ट्रक्ट करूँगा, और जुमला कंस्ट्रक्ट करके मैं क्या करूँगा फिर उसको जवाब दे दूँगा उस जुमले के ज़रिए कि भाई यू हैव ऑर्डर डॉट लेंथ, यानी कि यू हैव टू ऑर्डर्स और वन इज़ पेंडिंग और वन इज़ डिलीवर्ड, यानी फर्स्ट इज़ डिलीवर्ड और सेकेंड इज़ डिलीवर्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इसमें लॉजिक्स लगेंगी कि भाई अगर दोनों डिलीवर है तो टू डिलीवर्ड बोलना है, बोथ बोलना है, है ना, ये लॉजिक्स लगेंगी इसके अंदर, सही है। अब ये लॉजिक जावास्क्रिप्ट से लगेगी, आपकी चाहें तो आप इसमें चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं कि वहाँ पे आप उस पॉइंट पे एपीआई कॉल कर दें, आप उसको पूरा ऑब्जेक्ट बता दें और बोलें कि भाई ये दो ऑर्डर का ऑब्जेक्ट है और यूज़र को बताना है इस ऑर्डर का स्टेटस, वो जुमला बना के दे देगा, है ना, कि भाई ये तो सर ट्राई करके देखते हैं कि चैट जीपीटी बताता है या नहीं बताता, है ना। मेरे पास दो ऑर्डर के ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑर्डर के ऑब्जेक्ट में चैट जीपीटी को दूँ, मैं बोलूँ भाई ये दो ऑर्डर के ऑब्जेक्ट हैं और मुझे यूज़र इसको बताओ जुमले में कन्वर्ट करो कि जुमले में इसको कैसे बोलेंगे। पहले दो ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, वैसे इंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ मैं ये। मैंने कहा भाई नेम मलिक, क्या था वो पिज़्ज़ा साइज, ऐसे कर लेते हैं ना, पिज़्ज़ा साइज लार्ज है, पिज़्ज़ा फ्लेवर जो है वो फजीता है, उसके बाद पिज़्ज़ा जो है वो क्यू टी वाई टू है, सही है, और इसी को मैं कर देता हूँ दो, सही है, ऐसे एरे में होगा एक्चुअली ये, तो जॉन और इसका है स्मॉल पिज़्ज़ा और इसका जो फ्लेवर है वो चिली फ्लेवर है, सही है, चिली फ्लेवर है, उसकी क्वांटिटी है वन। तो एक ही अकाउंट से ये दो ऑर्डर लगे हैं मेरे पास, ये दो ऑर्डर लगे हैं एक ही अकाउंट से, सही है। अब इसको जाके देते हैं हम चैट जीपीटी को पकड़ाते हैं, रिफ्रेश करते हैं पुराने कॉन्टेक्स्ट ख़त्म करने के लिए, फॉलोइंग इज द ऑर्डर्स। अच्छा, स्टेटस तो मैंने मेंशन ही नहीं किया इसमें, स्टेटस जो है इसका वो इन प्रोग्रेस है और इसका जो स्टेटस है ना वो डिलीवर्ड है,
फॉलोइंग इज द ऑर्डर्स फ्रॉम यूज़र नेचुरल लैंग्वेज टू यूज़र, सही है? देखते हैं क्या बोलता है अभी, इसको नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने बोला है मैंने। ये बता दिया इसने, द फॉलोइंग आर द ऑर्डर पिज़्ज़ा ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर फॉर मलिक, यू हैव ऑर्डर टू लार्ज पिज़्ज़ा एंड दिस दिस दिस। अच्छा, ये मैंने ये नहीं बोला कि स्टेटस बताना है ऑर्डर का, ऑर्डर का स्टेटस मैं बोलूँगा ना तो ये शॉर्ट बताएगा, अभी ये काफ़ी लंबा कर दिया है। You are supposed to tell. These orders in natural language. इसको मैं ये भी बोल देता हूँ कि one sentence. सही है ना? वन सेंटेंस में मैंने कहा भाई बताओ, ज़्यादा लंबी नहीं करने की ज़रूरत है। द स्टेटस ऑफ योर पिज़्ज़ा ऑर्डर आज फॉलोइंग, द ऑर्डर फॉर मलिक इज़ करंटली इन प्रोग्रेस वाइल द ऑर्डर फॉर जॉन हैज़ बीन डिलीवर्ड। कन्वर्ट तो सही कर रहा है बिल्कुल ये, तो हम यहाँ पे इसकी हेल्प ले सकते हैं, API कॉल कर सकते हैं, बट स्टिल दिस API इज़ पेड। और अगर हम यही चीज़ JavaScript की लॉजिक लगा के कंस्ट्रक्ट कर लें तो मेरा ख्याल है कि फिर वो टाइम भी बचेगा, क्योंकि JavaScript फास्ट चलेगी, सेम मशीन पे चल रही होगी। तो मेरा ख्याल है JavaScript की लॉजिक लगाना ही यहाँ पे भी बेहतर ऑप्शन है। हाँ, बट अगर ऐसा कोई केस आ जाए कि भाई 20-20 25-25 ऑर्डर लगे हुए हों एक एक बंदे के, उस केस में फिर शायद JavaScript की लॉजिक से बेहतर ही होगा कि हम ये वाला लगा लें। लेकिन वहाँ पे भी डिपेंड करता है कि क्या हमारे पास डेवलपमेंट का टाइम बहुत शॉर्ट है। अगर तो डेवलपमेंट का टाइम बहुत शॉर्ट है तो फिर भी सेंस बनता है, लेकिन अगर डेवलपमेंट कर सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड डेवलपमेंट करनी है, टाइम है हमारे पास, तो स्टिल वहाँ पे भी JavaScript की लॉजिक ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि भाई लॉन्ग रन में क्योंकि 20-20 ऑर्डर लग रहे हैं अगर, तो इसका मतलब है कि ट्रैफिक ज़्यादा है, और ट्रैफिक ज़्यादा का मतलब पैसे बहुत आ रहे हैं। तो आमतौर पे ऐसी जगहों पे ना टाइम नहीं होता कि यार डेवलपमेंट का टाइम नहीं है इतना, बस जल्दी करो जो करना है, पैसे जितने लग रहे हैं लगाओ, ठीक है? तो अगर तो ऐसा केस है फिर तो ChatGPT, अगर ऐसा केस नहीं है तो फिर जो है वो JavaScript। तो काइंड ऑफ इस तरह का हमारा जो है ऑर्डर का वो ऑब्जेक्ट होने वाला है। क्या हो गया इसको? हाँ, तो ये हमारा ऑर्डर का जो है ना स्कीमा बन चुका है। अच्छा, खैर, तो अब अगले पे चलते हैं। हमारा जो अगला था, एक तो इंटेंट हमने निपटा दिया। अच्छा, एक चीज़ आप और समझ लो यहाँ पे, ये जो इफ एल्स करके मैं लगा रहा हूँ ना इंटेंट का नाम, ये इस तरह नहीं लगेगा, सही है? ये कैसे लगेगा? अच्छा, हमारा टाइम ओवर हो गया क्लास में गया। अच्छा, तो चलो बस ये हम लास्ट करके ना निकलते हैं। अच्छा, मुझे लगा टाइम है अभी, मैं असल में मेरी जो नॉर्मली क्लासेज होती हैं वो 9 से 11 होती है ना, तो मैं 11 मेरे जहन में 11 फिट हुआ होता कि 11 बजे तक टाइम है हमारे पास। ये वेब डेवलपमेंट की जो क्लास होती है वो 9 से 11 होती है। अच्छा, ये जो इफ एल्स करके हम इंटेंट का नाम लगा रहे थे ना, ये ऐसे ही नहीं होगा भाई, सही है? इसको समझ लो ये कैसे होगा, ये होगा स्विच से। स्विच जो है वो क्लीनर भी होता है और थोड़ा सा आसान भी होता है, यानी नहीं क्लीन और आसान तो एक ही हो गया ना, फास्ट होता है थोड़ा, इफ एल्स से फास्ट होता है स्विच। अब स्विच में यहाँ पे मैं दूंगा इंटेंट का नाम, सही है? और वैल्यू, पहली वैल्यू मेरी डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट है, सही है? दूसरी वैल्यू मेरी है न्यू ऑर्डर, ठीक है? इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा न्यू ऑर्डर, और तीसरा मेरा है डिफ़ॉल्ट, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ये जो डिफॉल्ट, ये वेलकम वाला जो है ना सारा का सारा कोड यहाँ से करूँगा कट, और मैं इसको कहाँ ले जाऊँगा? इधर ले जाऊँगा, ठीक है? और इसको मैं कोलैप्स कर दूंगा, न्यू ऑर्डर वाला जो कोड है उसको मैं कॉपी करूंगा अब की बार, ये न्यू ऑर्डर वाला कोड हो गया। इस पे एरर क्यों आ गया भाई?
एक्चुअली एरर इस वजह से आ गया है क्योंकि जो केसेस होते हैं ना डिफरेंट, उसमें रिस्पॉन्स टेक्स अगर एक दफ़ा बना दिया तो अगले में भी बनाना अलाउ नहीं होता। हाँ सही कह रहे हो, ये भी कर सकते हैं, तो हम ज़रा इसमें ब्रेसेस बना लेते हैं। ऐसे ब्रेसेस बनाने अलाउ होता है क्या? हाँ सही है यार। सही है, अच्छा आइडिया दिया इसने, ये मुझे पता नहीं था लिटरली, क्योंकि मैंने तो सीखी थी सी लैंग्वेज, तो सी में होता है ये। अच्छा मैंने सी में भी नहीं सीखा ये, और ना मैंने जावास्क्रिप्ट में सीखा, तो ये मुझे आज पता चला है कि इसमें ऐसे ब्रैकेट भी लग सकती है। वेल वो तो बंदा सीखने का प्रोसेस तो हमेशा चलता रहता है, और इसमें कोई वो बात नहीं है कि यार अगर मैंने ये आपसे सीखी है बात तो मतलब ये वाली कोई बात नहीं है, बताना चाहिए बिल्कुल, है ना, सीखने में कोई वो नहीं होता। अच्छा अच्छा डिफ़ॉल्ट जो लास्ट है ना वो ये आ गया जी। तो ये भाई स्विच में हमने बना दिया इसको, तीनों को कन्वर्ट कर दिया। अच्छा स्विच जो है वो बेहतर है, लेकिन अगर यहाँ पे किसी ने एफ एल्स भी लगाया हुआ ना तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सही है, वो भी ठीक ही है, एक ही बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि स्विच यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि स्विच ना रीडेबल होता है थोड़ा, इसमें केसेस क्योंकि सीक्वेंस से लगे हुए होते हैं तो क्लीनर होता है और फास्ट भी होता है, कुछ लोगों के ख्याल में फास्ट होता है, या यूँ कह लो कि कुछ ब्राउज़र में फ़ास्ट होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें ना सफारी की, तो सफारी में ना एफ एल्स ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, और गूगल क्रोम के अंदर भी इफ एल्स जो है और स्विच जो है उसमें मिसाल के तौर पे अगर स्कोर आता है ना 12,000 तो इसमें आता है 11,500, तो इतना सा फ़र्क है, इतू सा बिल्कुल फ़र्क है, ज़रा ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। लेकिन सफारी में इफ एल्स बहुत तेज़ है, सफारी में इफ एल्स का स्कोर आता है 35,000 इस तरह करके आता है, ठीक है। अच्छा इन जनरल सफारी का कोड आजकल मैंने रिसेंटली जो टेस्ट किया ना, सफारी बहुत तेज़ हो गया जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन में, अब उन्होंने क्या किया ये अभी तक बताया नहीं उन्होंने, लेकिन वो बहुत तेज़ चलाता है। वो बेंचमार्क करोगे ना, यानी ब्राउज़र बेंचमार्क, तो ये लोगों ने ना कंपैरिजन करके डाला हुआ है फास्टेस्ट ब्राउज़र जो है ना वो कौन सा वाला है। नहीं ये तो पता नहीं एच को कैसे बताया हुआ इसने, ये कोई इसने ये किया है ना कि बेस्ट फास्टेस्ट ब्राउज़र 2023 स्पीड कंपैरिजन, एज आ रहा था। अच्छा एज को मैंने टेस्ट नहीं किया, मैंने क्रोम को और सफारी को टेस्ट किया था। अच्छा ये डिफरेंट से स्पीडोमीटर से जेट स्ट्रीम से इन चीज़ों से टेस्ट किया हुआ है। सफारी तो इसमें है ही नहीं, विंडोज़ होगी ना उसके पास, सफारी तो इसमें है ही। अच्छा डिफरेंट चीज़ों में भी डिफरेंट स्पीड होती है, मिसाल के तौर पे सफारी को स्पेशली इफ एल्स में बहुत फास्ट है, स्पेशली पता नहीं क्या वजह है, ये इसमें वो वाला सफारी को ऐड ही नहीं किया इन्होंने जवान। वेल वो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, वो जाके ना आप लिखेंगे ना ब्राउज़र बेंचमार्क, ये रहा jsbench.me। अरे नहीं ये वाला नहीं था यार, मैंने इस पे चला कर देखा था, मैंने इस पे चला कर देखा था। अब इसमें आप मिसाल के तौर पे ये वाला पूरा कोड अगर मैं लगा देता हूँ इसमें ऐसे करके कोड ब्लॉक 1, अब इसी तरह मैं ब्लॉक 2 लगाऊंगा एक, और ब्लॉक 2 के अंदर भी कुछ कोड लिख दूंगा, और जब मैं उसको यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा ना रन टेस्ट, अभी तो खैर ये एरर दे देगा क्योंकि वो वेरिएबल नहीं पता है इसको, तो वेल ये दो कोड लिखेंगे आप, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3,
ब्लॉक वन में मिसाल के तौर पर ईफेल्स लगा दिया, ब्लॉक टू में आपने लगा दिया स्विच, ब्लॉक थ्री में आपने फंक्शन कॉल वगैरह लगा दिए और आपने रन किया, तो वो क्रोम ब्राउज़र पे इस वक्त ये रन हो रहा है। और वो रेकमेंड करते हैं कि कंप्यूटर में कुछ भी नहीं खुला हुआ, सारे टैब बंद कर दें, आप सिर्फ एक टैब खुला हुआ उस पर ये चल रहा हो और कंप्यूटर में बाकी चीज़ें सारी बंद हो, ताकि वो प्रॉपर चेक कर सके कि यार ब्राउज़र को पूरी पोटेंशियल मिले। तो वो आप करके उसको देख सकते हैं। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था तो उसमें मुझे ये पता चला कि यार स्विच जो है ना वो सफारी के केस में उल्टा है, अपोजिट है। अच्छा जी, तो ये हम क्या करेंगे, इसको स्विच केस करके लगाया करेंगे। अच्छा, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, लेकिन अब ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगली क्लास में हमने क्या करना है। अगली क्लास में मेरा ख्याल है कि डिज़ाइन पर्सपेक्टिव ना पढ़ लेते हैं, थोड़े देर में पढ़ते हैं। हम ये करते हैं कि इसका वो कंप्लीट कर लेंगे पहले, ये डिफ़ॉल्ट वेलकम बना लिया, न्यू ऑर्डर बना लेते हैं, ऑर्डर लेके और डेटाबेस में सेव करा के उसके बाद ऑर्डर का स्टेटस चेक करवा के ये तीन काम पहले कर लेते हैं, यानी कि कंप्लीट कर लेते हैं पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग वाली है फुलफिलमेंट के साथ, और उसके बाद फिर जो है ना हम, क्योंकि ज़ाहिर है इसको बनाने के दौरान हम कई जुमले कंस्ट्रक्ट कर चुके होंगे। अभी हमने देखो हाई वाला ये किया ना, जुमला कंस्ट्रक्ट किया है, अभी जब प्लेस ऑर्डर होगा तो उसका जुमला कंस्ट्रक्ट करेंगे कि भाई इतने इतने बजे हुआ है, इतने टाइम में डिलीवर होगा, और फिर हम लास्ट में जो चेक स्टेटस वाला जुमला कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो वो जुमला कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ना जब हम, तो हमें फिर ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि डिज़ाइन कहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो फिर हम डिज़ाइन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, और ये बना लेना अपने हाथ से इतना कोड, ये कोड मैं पुश कर रहा हूँ अभी क्लास का।